हेलो एवरीवन, मेरा नाम करुणेश है और मैं विद्या मंदिर में फिजिक्स पढ़ाता हूँ और मैंने आईआईटी दिल्ली से बीटेक और एमटेक किया हुआ है 2011 में। और मेरा विद्या मंदिर में जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो 7 साल का है। ओवरऑल जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है वो 9 ईयर प्लस का है। तो आज हम लोग ऑप्टिक्स डिस्कस करने वाले हैं, मेंस के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि हम एडवांस लेवल तक जाएंगे, सिर्फ मेंस लेवल तक क्या डिस्कशन करेंगे। तो ऐसा करते हैं कि पहले सबसे पहले ये देख लेते हैं पिछले 2 सालों में कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो अगर हम क्वेश्चंस के बेसिस से बात करें तो 2019 में मिलाकर टोटल कुछ 22 क्वेश्चन आए थे। 11 क्वेश्चन जनवरी सेशन में आए थे और 11 क्वेश्चन अप्रैल सेशन में आए थे। तो ऑन एन एवरेज अगर हम पर 8 पेपर के हिसाब से देखें तो ऑन एन एवरेज कुछ 1.5 क्वेश्चन के आसपास आए थे। तो और अगर 2020 में बात करें तो सिर्फ 6 क्वेश्चन आए थे, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ़ पेपर थे वो 6 हो गए थे और जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन थे 30 से 25 रिड्यूस हो गए थे। तो उस हिसाब से भी ऑलमोस्ट 1.5 क्वेश्चन के आसपास ही इसको मान सकते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी प्रिपरेशन के हिसाब से, मेंस की प्रिपरेशन के हिसाब से। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि बहुत ही ईजी से क्वेश्चन आते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप याद भी कर लोगे तो भी इसके क्वेश्चन टैकल कर पाओगे। ऐसा नहीं कि बहुत डेप्थ में घुसकर आपको जानने की आवश्यकता है। ठीक है, तो बिल्कुल पहले ये जान लेते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से सब टॉपिक हैं। तो पहला सब टॉपिक अगर हम बात करें, तीन सब टॉपिक के, तीन मेजर टॉपिक्स हैं इसके। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसमें टॉपिक्स आते हैं, फर्दर टॉपिक्स आते हैं कि रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर की बात करते हैं और स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं। ठीक है, मेजर ये टॉपिक्स हैं उसके अंडर में। फिर दूसरा मेजर सब टॉपिक है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसमें हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सर्फेसिस बात करते हैं और रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म बात करते हैं और रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सर्फेसिस बात करते हैं। ठीक है, फिर अगला टॉपिक आपका था लेंस। लेंस में क्या क्या देखते हैं हम लोग, बेसिकली लेंस की प्रॉपर्टीज़ ही देख रहे होते हैं और इसके लेंस फार्मूला एंड एंड इसके मैग्नीफिकेशन के बारे में बात कर रहे होते हैं। देन लेंस मिरर कॉम्बिनेशन की हम लोग बात कर रहे होते हैं। लास्ट में जो टॉपिक आएगा वो आएगा वेलोसिटीज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस। इस टॉपिक में हम लोग क्या करते हैं कि ये इसको हम सारे चैप्टर के हिसाब से पढ़ते हैं, क्योंकि वेलोसिटीज़ का जो क्वेश्चन होता है वो मिरर में भी पूछ सकता है, लेंसेज में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। लास्ट में जो हम करेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें हम लोग उसको सबसे सारे टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं। और इससे मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट ऑन एन एवरेज 2 साल में एक बार तो आ जाता है इसका क्वेश्चन। ठीक है, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगर हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सी बात क्या आती है कि अगर मान लो कोई किसी सरफेस पे, ठीक है, कोई रे हिट करती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे और रिफ्लेक्ट होती है, राइट। अगर उस सरफेस में लोग परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो एक छोटी सी बात आती है कि एंगल आई जो एंगल है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है वो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल के बराबर होता है। तो बहुत आसान सा लॉ है, एंगल ऑफ इंसिडेंट आई को बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होती है। तो ये पहला लॉ है। ठीक है, दूसरे लॉ की अगर हम बात करें तो वो ये होता है कि इंसिडेंट रे आप समझ रहे हो जो पहले सरफेस को हिट कर रही है, तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, एंड नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन पे लाई करते हैं, लाइज ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, हालांकि अगर हम इस लॉ की बात करें तो ये हमने इसको फर्मेट नामक एक साइंटिस्ट था उसके उसने एक प्रिंसिपल दिया था, फर्मेट्स प्रिंसिपल जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उससे हम लोग इसको समझ सकते हैं, मतलब बेसिकली फर्मेट प्रिंसिपल की हेल्प से हम लोग इसको डेराइव भी कर सकते हैं। एंड दैट प्रिंसिपल इज़ कि लाइट ऑलवेज फॉलोज अ पाथ, लाइट ऑलवेज फॉलोज अ पाथ, ठीक है, इन विच इट टेक्स मिनिमम टाइम। ठीक है भाई, इसका ये मतलब है, जैसे इसी में समझने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पर ए पॉइंट था, एक सोर्स था, लाइट सोर्स था और रिफ्लेक्शन के बाद बी तक जाना था। ठीक है, तो ए से बी जाने के लिए मैंने आई इक्वल टू आर वाला पाथ चूज़ किया हुआ है यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर और भी पॉसिबल पाथ हो सकते थे ए से बी जाने की, यहाँ से ऐसे ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है। तो अगर हम फर्मेट की हेल्प से देखें, या फर्मेट अब डेराइव तो करने का टाइम है नहीं, बट अगर आप करना चाहोगे तो हो जाएगा बहुत आसानी से। तो यहाँ से यहाँ तक वाला जो ये वाला पाथ आई इक्वल टू आर वाला पाथ होगा, आई इक्वल टू आर वाला पाथ जिस पॉइंट पे आई इक्वल टू आर होगा वही वाला पाथ हमेशा फॉलो करता है, यही एक्चुअली मिनिमम टाइम वाला पाथ होता है। ठीक है,
तो जो हम ये लॉज डेराइव कर रहे हैं या लॉज डेराइव नहीं कर रहे, इनफैक्ट जो लॉज हम पढ़ रहे हैं ये फर्मेट प्रिंसिपल को से हम जस्टिफाई कर सकते हैं, हमेशा फॉलो करते हैं फर्मेट। तो इनफैक्ट फर्मेट प्रिंसिपल हर जगह वैलिड, चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, इस बात को प्लीज़ ध्यान रखेंगे, चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे रिफ्रैक्शन हो, कोई भी लेंस वेंस जहाँ पर भी कुछ भी प्रोसेस हो रहा है हमेशा फर्मेट प्रिंसिपल जरूर फॉलो हो रहा होता है। हमेशा लाइट ऐसा पाथ को चूज़ करती है जिसमें उसे कम से कम सबसे कम टाइम मिनिमम टाइम लगता है, ठीक है। तो ये बात सबको समझा रही है, तो एज अ फैक्ट कई बार पूछ लेता है, तो इसलिए इसको आप याद कर सकते हैं, रिमेंबर दिस थिंग। आपको जो जो इनफैक्ट इसमें जितना भी कुछ स्लाइड में डाला उसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको याद ही रखनी है, याद रखोगे तो आसानी से मेंस में क्वेश्चन में क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। अच्छा, एक और छोटी सी बात होती है कि ऐसा बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सिर्फ फ्लैट सरफेस पे ही आई क्वेश्चन टू आर होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई रैंडम कर्व सरफेस है, देखो यहाँ पर रैंडम कर्व सरफेस है, तो यहाँ पर भी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होगा। जिस पॉइंट पे हिट कर रहे थे वहाँ पे एक नॉर्मल एक टेंजेंट डाल दो और उस पर एक परपेंडिकुलर डालो और आई और आर को चेक करो, हमेशा सेम आएगा, ये पक्की बात है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका फ्लैट सर्फेसिस के लिए वैलिड है, वैलिड फॉर कर्व सर्फेस, ऐसा नहीं कि हर जगह पर आप लगा सकते हो इसे, वैलिड फॉर कर्व सर्फेस, ठीक है, इस बात को प्लीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर ये बातें आपको क्लियर हो चुकी है, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर एंड ये बेसिक चीज़ें, तो हम लोग कुछ बेसिक डेफिनेशंस की बात कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑप्टिक्स पढ़ने के लिए, आई थिंक बहुत सारे बच्चों को आती भी होगी, तो कोई बात नहीं, फिर से दोबारा देख लेते हैं। जैसे रियल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, रियल ऑब्जेक्ट क्या है, रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है कि इंसिडेंट रेज एक्चुअल में जहाँ इंटरसेक्शन करती है, इंसिडेंट रे एक्चुअल इंटरसेक्शन करेंगे उसे हम बोलेंगे रियल ऑब्जेक्ट। अच्छा, जहाँ पर अपीयर टू बी इंटरसेक्टिंग होगी वहाँ पर वर्चुअल ऑब्जेक्ट, मतलब जो आपका एक बात पहले दिमाग में डाल लेंगे कि इंसिडेंट रे ही बनाती हैं आपकी ऑब्जेक्ट, और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा इमेज बनाती है। तो जैसे अगर मान लो यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा है, तो देखो ये रे अगर यहाँ पर देखोगे तो एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रही है, इंसिडेंट रे एक्चुअल इंटरसेक्शन है, तो ये रियल ऑब्जेक्ट है, करेक्ट है। अगर हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात करें तो एक फ्लैट मिरर ले लेते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्लैट मिरर के लिए होगा, ये कहीं भी डिफाइन हो जाता है, चाहे लेंस हो चाहे स्फेरिकल मिरर हो या फिर कोई कर्व मिरर हो, कुछ भी कहीं पे भी चलेगा, ठीक है। तो अगर जैसे यहाँ देखो इंसिडेंट रे है, यहाँ पर इंसिडेंट रे आया लेकिन एक्चुअली मीट नहीं कर पा रही है, तो ये इसको अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो जो पॉइंट होगा उसे हम बोलेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट, प्लीज़ ध्यान रखेंगे इस बात को, इसको क्या बोलेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट की बात समझ रही, ये बात दिमाग में डाल देंगे कि इंसिडेंट रे ही रिस्पॉन्सिबल होती है ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के लिए। अगर हम एक और बात करते हैं यहाँ पर रियल इमेज क्या होती है और वर्चुअल इमेज क्या होती है, आप लोग खुद से भी सोच सकते हो अब क्या होगा कि भाई अगर मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि रिफ्लेक्टेड रे ही रिस्पॉन्सिबल होती है, तो रिफ्लेक्शन के बाद जैसे मान लो ये हुआ इंसिडेंट रे, अब रिफ्लेक्शन के बाद कहीं देखो एक्चुअल मीट करे, अगर एक्चुअल मीट कर रही है तो रियल इमेज है ना, अगर एक्चुअल मीट करे तो रियल इमेज, तो वही है कि रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली इंटरसेक्ट है ना, और अगर हम रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू बी इंटरसेक्टिंग हुआ, जैसे यहाँ पर होगा मान लो यहाँ मिरर है भाई और यहाँ पर है ये इंसिडेंट हुआ इसका, ये रिफ्लेक्ट होता अगर ऐसे करके, तो ये इसको एक्सटेंड करके हम लोग पीछे बना सकते हैं, और ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पर एक्चुअल में नहीं, इसको बोलेंगे अपीयर टू बी इंटरसेक्टिंग एंड दिस इज वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो हमने रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया, तो इसको ऐसे ही फॉलो करेंगे, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं करेंगे, ठीक है, तो इसको याद कर लेते हैं। और इसी टाइम में बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जो लेफ्ट में रख देते हैं ऑब्जेक्ट होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं, उस कंडीशन के हिसाब से हम डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट पे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सिर्फ आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे ही है। तो अगर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे है तो हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन में कह रहा है कि टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर सच दैट अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मिरर वन M1, मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है ताकि टाइम बचे, एंड पैरेलल टू द सेकेंड मिरर, मतलब ये इंसिडेंट वन पे कर रहा है और इसके पैरेलल है, इस बात को प्लीज़ ध्यान देना। अब कह रहा है कि दो मिरर है जो इंक्लाइंड है, देखो ये एक मिरर ये हो गया, एक मिरर ये हो गया, ये दोनों इंक्लाइंड है सर्टेन थीटा पे, ये थीटा हमें पता नहीं अभी, बट अगर ये इसके पैरेलल है तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल थीटा ही होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है, तो ये थीटा है और ये थीटा है, ओके ऑलराइट। तो अगर अब ये इसके पैरेलल था, हिट किया, उसके आगे पढ़ते हैं, पैरेलल टू द सेकंड मिरर इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेकंड मिरर, फिर ये क्या होगा, पहले मिरर से रिफ्लेक्ट हुआ फिर सेकंड मिरर को हिट करता है, और रिफ्लेक्शन के बाद कह रहा है कि जब सेकंड मिरर से रिफ्लेक्ट होता है तो दैट इज पैरेलल टू द M1, तो देखो यहाँ आया, पैरेलल था पहले वाले से M2 से, फिर यहाँ गया, फिर रिफ्लेक्ट हुआ, तो कह रहा है ये और ये अब पैरेलल है, ठीक है। तो ये छोटी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, तो अब मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पर, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं किया,
रेज दिख रहा है तुम्हें आ रही है, अगर ये एंगल थीटा था तो हमने ये एंगल थीटा निकाल लिया, ये थीटा था तो ये एंगल हमने थीटा निकाल लिया। अब देखो अगर यहाँ पे देखो, अगर ये और ये भी पैरेलल है ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम होगा। ज्योमेट्री बहुत क्लियर कट दिख रही है आपको, ये एंगल और ये एंगल भी आपका सेम होगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, देखो अगर ये थीटा है तो आई क्या होने वाला, आई क्या होने वाला, आई होगा आपका 90 माइनस थीटा, करेक्ट है। ये वाला आई भी क्या होगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से ये भी 90 माइनस थीटा होगा। तो यहाँ वाला एंगल क्या होगा, यहाँ देखो मैंने थीटा ऑलरेडी लिखा, क्यों थीटा लिख रखा है, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे इन चार एंगल का सम, इस वाले एंगल, इस वाले एंगल, इस वाले एंगल और इसका एंगल का सम क्या होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो लेट्स जो अगर ये थीटा डैश होता, अगर मान लो ये थीटा डैश होता ठीक है, तो मैं लिखता थीटा डैश, एक बार प्रूफ कर देता हूँ बाकी में आ जाएगा, थीटा डैश प्लस 90 माइनस थीटा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से पता चल रहा है 90 माइनस थीटा प्लस थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आ रहा है, करेक्ट। थीटा थीटा कैंसिल हो गया, एक 180 भी कैंसिल हो गया, थीटा डैश इक्वल्स टू थीटा हो गया। इस तरीके से हम यहाँ थीटा का आइडिया लग गया, थीटा डैश इक्वल्स टू हम लोग थीटा बोल सकते हैं, करेक्ट है। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, देखो आई यहाँ पर आई लिखा नहीं, एक्चुअली आई डैश है ये, आई डैश भी क्या होगा, यहाँ के हिसाब से देखेंगे तो 90 माइनस थीटा, और यहाँ पर भी क्या होगा 90 माइनस थीटा, तो ये अपने आप ही दिख गया तुम्हें थीटा होगा। अगर देखो ये सिचुएशन इन्होंने ऐसा दिया कि आप अगर एक बार ज्योमेट्री ड्रॉ करोगे तो फटाफट आंसर आ जाएगा। तो इसके हिसाब से अब देखो बहुत आसान सा है, अगर मैं ट्राइंगल एबीसी दिखी रहा हूँ आपको, ट्राइंगल एबीसी कौन सा ट्राइंगल एबीसी, ये ट्राइंगल एबीसी में अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो ट्राइंगल एबीसी में क्या होगा, ट्राइंगल एबीसी में अगर हम तीनों एंगल्स का सम करें तो 180 आएगा, तो थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा इक्वस टू 180, हैंस 3 थीटा इक्वस टू 180 एंड थीटा इक्वस टू 60 डिग्री। तो बहुत आसान सी बात हो गई है। अच्छा इसमें एक और चीज़ आता है जो आप लोग फाइनली चाहो तो कर सकते हो, वो क्या आता है, डिविएशन की बात करता है, डिविएशन की बात करता है। तो डिविएशन कैसे निकालते हैं रिफ्लेक्शन में, तो मैं डिविएशन बता देता हूँ, तो आप उसको घर पे कर लेना, मैं इसमें डिटेल सोल्यूशन आगे डाल दूंगा। देखो अगर मान लो कोई रे है यहाँ पर, और एक रे किसी सर्टेन एंगल पर मान लो हिट कर रही है, देखो यहाँ पर आई पे, और ये कुछ डिविएट हो गई है, या आई एम सो सॉरी ये रिफ्लेक्ट हो गई है, रिफ्लेक्ट कराना है हमें, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट कराना है, ये रिफ्लेक्ट हो गई है। तो एक्चुअल में जो ये रे है, ये जो रे गई थी, ये दिख रहा है आपको, ये एंगल थीटा आई मान लेते हैं और ये एंगल आई मान लेते हैं, तो ये जो रे थी ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, लेकिन ये रिफ्लेक्शन की वजह से इस किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में निकल गई, यहाँ निकल गई। तो यहाँ पर जो डिविएशन आएगा वो क्या होगा, डिविएशन होगा अगर ध्यान से देखोगे तो डिविएशन आपका ये वाला एंगल डिविएशन होगा। अब डायरेक्शन की बात भी कर लेंगे, डायरेक्शन भी डिविएशन मैटर करता है, तो जो डेल्टा आएगा वो बहुत आसान है, स्ट्रेट लाइन पाई एंगल होगा, तो पाई माइनस टू आई, और अगर देखोगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिविएट हो रहा है, तो ये क्लॉकवाइज आ जाएगा, करेक्ट है ये बात, डेल्टा इक्वल्स टू पाई माइनस टू आई। आई होप ये सबको छोटी सी बात समझ आ रही होगी। तो यहाँ डिविएशन आ गया है, तो ऐसे ही अब देखो अगर मान लो दो बार डिविएशन हो रहा है, तो हम दो बार में अगर मान लो दोनों क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज है तो दोनों को ऐड कर सकते हैं, अगर एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज है तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और देख सकते हैं कौन सा बड़ा वैल्यू था, अगर दोनों एंटी क्लॉकवाइज है तो दोनों को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे दो रिफ्लेक्शन हुए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक्चुअल में ये देखो रे ऐसे जानी थी लेकिन चली ऐसे गई, फिर यहाँ पर ऐसे जानी थी लेकिन ऐसे चली गई, तो देखो यहाँ पर भी डिविएशन है और यहाँ पर भी डिविएशन है, दिख रहा है सबको, ये डेल्टा वन है और ये क्या है डेल्टा टू है, ये वाला डेल्टा टू है, तो ये दोनों क्लॉकवाइज डिविएशन है। आप यहाँ पर डिविएशन निकाल सकते हो और आपको थीटा ऑलरेडी पता है, तो आई थिंक आपके लिए जो क्वेश्चन होगा यहाँ पर जो आप कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए, मैं इसमें सोल्यूशन डाल दूंगा कितना आंसर आएगा, फाइंड फाइंड टोटल डिविएशन, फाइंड टोटल डिविएशन, ये बेसिक क्वेश्चन है, फाइंड टोटल डिविएशन, फाइंड टोटल डिविएशन आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो दो रिफ्लेक्शन के बाद इसमें टोटल डिविएशन कितना होगा, इन दी अबव क्वेश्चन, इन दी अबव क्वेश्चन, इस बात को प्लीज ध्यान रखेंगे, इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, अलग से नहीं कुछ लेना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से सोल्यूशन में इसमें डाल दूंगा, जब पीडीएफ डालूंगा तो, ठीक है, ओके ऑल राइट। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे ही है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे, पहले लॉ पे हम लोग इसको कर सकते हैं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट एस इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस एल इन फ्रंट ऑफ अ सेंटर ऑफ अ प्लेन मिरर, ठीक है, ऑफ विथ डी, इसकी विथ कितनी डी है, डी दी, देखो मैंने ऑलरेडी ड्रॉ रखा ताकि टाइम बचे, विच इज हैंगिंग वर्टिकली ऑन दी वॉल, अ मैन वॉक्स इन अ फ्रंट ऑफ अ मिरर अलॉन्ग द लाइन पैरेलल टू द मिरर, ठीक है, अगर हैंग कर रहा तो कैसे वॉक करेगा, ये हमारा मुद्दा नहीं है बट कर रहा है समो, तो अगर यहाँ पर मिरर है तो इसके अलॉन्ग वॉक कर रहा है, इस बात को समझना, इसके अलॉन्ग वॉक कर रहा है, तो देखो यहाँ से जो सोर्स होगा वो कुछ ऐसे लाइट रिफ्लेक्ट कर रही होगी, ये दिख रहा होगा आपको,
तो कह रहा है रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ तक उस लाइट की इमेज देख पाएगा। देखो जहाँ पर जैसे यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है इसकी इमेज यहाँ पे दिख रही है उसको, तो एक काफ़ी ऊपर तक जाए। जैसे यहाँ पे देखो ये है मिरर और ये मिरर है और ये यहाँ पर वॉक कर रहा है, तो देखो मैंने यहाँ दिखाया ये रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पर आ रहा है ना, यहाँ पर ये आ रहा है, तो एज वाले पॉइंट से जो रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है उसकी इमेज दिख रही होगी। तो यही पूछ रहा है कि कितनी दूर तक इमेज दिखेगी, एक सर्टेन पॉइंट के बाद वो इमेज नहीं देख पा रहा होगा लाइट की मिरर में। तो बहुत आसान सा होता है, ज्योमेट्री से ही जाएंगे। देखो एक पॉइंट सोर्स दिया हुआ है, अब एंगल हमने एजेस पे हिट करा के और एच वाले को ही यहाँ पर ऑब्जर्वर को बिठा देंगे, एक ऑब्जर्वर को यहाँ बिठा, मतलब उसी ऑब्जर्वर को यहाँ बिठा के देख लेंगे और जो लेंथ आएगा उसके हिसाब से हम लोग डिसाइड कर लेंगे। तो अगर मान लो रे ऐसे गई, यहाँ पर ऐसे गई होगी, थोड़ी ज्योमेट्री और कर लेते हैं। देखो ये यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये एंगल ऐसे बनेगा, ये एंगल ऐसे बनेगा, ये एंगल ऐसे बनेगा, तो यहाँ पर थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। अगर देखो इसको हम लोग थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, तो लेट्स अज्यूम दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, तो एक्स प्लस वाई क्या होगा, डी होगा। अगर हम ज्योमेट्री से देखेंगे तो ये भी एक्स आएगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए, और ज्योमेट्री से देखेंगे तो ये वाई आएगा, करेक्ट है। अब अगर हमें ये दिख रहा है ज्योमेट्री से कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है विच इज़ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये भी आई होगा, अगर ये आर होगा तो ये भी आर होगा, ठीक है। अब फंडा ये आता अगर आई है तो ये वाला भी आई हो जाएगा, और ये वाला भी आपका यहाँ पर भी देखेंगे तो ये वाला भी आई हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे आप एंगल वगैरह देख सकते हो। अब मुद्दा आता है कि बीचों बीच बैठा हुआ है, बीचों बीच बैठा, तो यहाँ से आता कि थोड़ी एल दी हुई है, तो हम लोग ट्राइंगल डिसाइड कर सकते हैं। लेट्स ए बी सी डी ई, तो अगर हम ट्राइंगल में देखने की कोशिश करते हैं, हमें लेंथ कौन सी चाहिए, हमें ये लेंथ चाहिए और हमें ये लेंथ चाहिए, तो इसको मान लेते हैं एक्स डैस और इसको वाई डैस, तो दिस इज द टोटल लेंथ जहाँ तक वो देख सकता है। तो टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, एक्स डैस प्लस एक्स प्लस वाई प्लस वाई डैस, यहाँ तक देख सकता है। ये किसके बराबर आता है, अगर हम एक्स डैस और वाई डैस को एक्स वाई में कन्वर्ट कर पाए तो हम आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि हमें पता है एक्स प्लस वाई डी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिमिलर ट्राइंगल यूज़ करेंगे। तो सिमिलर ट्राइंगल कौन सा है, ए बी सी ट्राइंगल, ए बी सी ट्राइंगल, ए बी सी सिमिलर टू किसके है, ट्राइंगल ए डी ई, दिख रहा होगा आपको ए डी ई, ये देखो ए डी ई दिख रहा है और ए बी सी, ये ट्राइंगल सिमिलर, कैसे पता, ये एंगल और ये एंगल सेम है और 90 और 90, अगर किसी भी दो ट्राइंगल के दो एंगल सेम हो जाए तो सिमिलर ट्राइंगल होता है, ठीक है। तो ये बहुत आसान सी बात है। अब अगर हम इसमें देखेंगे तो साइड्स का रेशियो क्या हो जाता है, सेम, अगर सिमिलर ट्राइंगल है तो साइड्स का रेशियो सेम हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो परपेंडिकुलर हाइट कितने हैं कि एक्स, अगर ए डी सी में देखेंगे, अपॉन बेस लेंथ एल है और इसकी एक्स डैश है और बेस लेंथ कितनी है, टू एल है। तो यहाँ अगर हमने ध्यान से देखा तो एक्स डैश कितना आ रहा है, टू एक्स आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली आप वाई के लिए भी देख सकते हो, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, एकदम बिल्कुल सिमिलर सा ही कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली हम लोग क्या बोल सकते हैं, वाई बाई एल इक्वस टू वाई डैश बाई टू एल इम्प्लाइज दैट वाई डैश इक्वस टू टू वाई, ठीक है ना। तो वाई डैश इक्वस टू टू वाई, तो हम अगर उस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे तो देखो क्या आता है, यह आ जाएगा टू एक्स प्लस एक्स, ठीक है, वाई प्लस टू वाई इज इक्वस टू, यही लेंथ आएगा, तो उसको हम लोग क्या ले सकते हैं, थ्री एक्स प्लस थ्री वाई, तो ये हो जाएगा थ्री एक्स प्लस वाई विच इज़ डी। तो थ्री डी इज़ दी रेंज जिसमें वो घूमेगा, तो उसे रिफ्लेक्शन दिख रहा होगा, बेसिकली लाइट दिख रही होगी मिरर के अंदर, मिरर के अंदर, डायरेक्ट लाइट की बात नहीं कर रहा। अगर डायरेक्ट लाइट की बात करेंगे तो देखो डायरेक्ट तो इन्फिनिटी तक जाएगा तो भी दिखेगा, डायरेक्ट लाइट की बात नहीं कर रहा है, जो रिफ्लेक्ट होकर आ रही है उसकी बात कर रहा है, ये वाली बात कर रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट लाइट तो इन्फिनिटी तक जाएगा तो भी दिखेगी, है ना, कि बिल्कुल सीधा सीधा आंखों में पड़ रहा है। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को देखना तो उससे सीधा आपकी आंखों में लाइट आनी चाहिए, तभी वो ऑब्जेक्ट को आप देख पाओगे, अदरवाइज आप नहीं देख सकते। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ऑप्टिक्स का, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 3D आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा ही सिचुएशन मैंने बना रखा है, कॉम्प्लेक्स बिल्कुल नहीं करना यहाँ पर, ठीक है। ऑल राइट, तो आई थिंक एक और मैं आपको दे देता हूँ क्वेश्चन। कई बार ऐसे मिरर वाले क्वेश्चन आते हैं जो आप लोग ट्राई कर सकते हो, ऐसे आपके साथ हो सकता है आपके क्लास वगैरह में भी कराया गया। एक मिरर है अपने पास और एक वॉल है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर है, ये बेसिकली हर एक मतलब ऑब्जेक्ट को लाइट सोर्स मान सकते हैं। तो ये ऑब्जर्वर क्या करना चाहता है, ये ऑब्जर्वर मान लो ये 2L है और ये L है, ये ऑब्जर्वर क्या करना चाहता है, डी बेसिकली डी लेंथ की वॉल को मिरर में देखना चाहता है। तो फाइंड मिनिमम लेंथ ऑफ मिरर फॉर विच ऑब्जर्वर कैन सी द वॉल इन द मिरर ओनली। ये मिनिमम लेंथ चाहिए आपको मिरर की, और मिनिमम लेंथ में ही आपको पूरा का पूरा वॉल को फिट करना है ना, इन द मिरर। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा ही, आप लोग ट्राई करना, सोल्यूशन में फिर से इसी में डाल दूंगा PDF में। आई होप ठीक सी बात है ना, ओके।
अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन में ही एक दूसरा सब टॉपिक आता था, स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं। स्फेरिकल मिरर में क्या होता है, हम बेसिकली कर्व सरफेस वाले मिरर पे आ गए, रिफ्लेक्टिंग कर्व सरफेस। तो यहाँ पर भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चों को लगता है यहाँ पर मिरर फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला फॉलो होता है, लेकिन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। हर जगह जहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है वहाँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो हो रहे होंगे। तो जैसे हम यहाँ पर मेजरली दो टाइप के मिरर्स को डिफाइन करते हैं, कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर आपको दिख रहा होगा, और ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि जो साइड उभरी हुई होती है वो सिल्वर कर देते हैं, तो इसे हम कॉनकेव मिरर बोलते हैं। जो साइड दबी हुई होती है उसको हम लोग सिल्वर कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब मुद्दा क्या आता है, यहाँ पर हम कुछ बेसिक पैरामीटर डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। बेसिक पैरामीटर्स क्या हैं, ये एक रे होती है जो इस एक रे जो इस अपर्चर को या वी कैन से इस जो मिरर को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और जहाँ पर कट करते हैं उसे पोल बोलते हैं, जो यहाँ लिख रखा है, तो ये भी पोल हो जाएगा, ठीक है, और ये भी आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा। क्लियर है बात यहाँ पे। और जो ये रेडियस जिस स्फेयर से हमने इसको कट किया होगा, स्फेरिकल सर्फेस है, तो जिस स्फेयर से इसको कट करके सिल्वर किया होगा उसी के रेडियस को हम लोग रेडियस रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और जहाँ पर उस स्फेयर का सेंटर होता है वहीं पर इसका सेंटर भी होता है, तो उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यही सेम तरीके से जैसे यहाँ पर लेफ्ट की तरफ आएगा, यहाँ पर राइट की तरफ आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये आ जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में आपको ध्यान रखना है कि एक में लेफ्ट साइड होता है, एक में राइट साइड होता है। क्लियर है बातें यहाँ पे। अच्छा, अब अगर ये बातें हमें बेसिक बातें पता चल रही है, तो हम लोग मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन की बातें कर सकते हैं। तो मिरर फार्मूला क्या है आपका, मिरर फार्मूला क्या है, मिरर फार्मूला बेसिकली 1/f = 1/v + 1/u होता है। अब इनका मतलब क्या होता है, एफ क्या होता है आपका फोकल लेंथ, एफ क्या है फोकल लेंथ, ठीक है, वी क्या है आपका इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। तो इस मिरर के लिए, इस मिरर के लिए, और यू क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इस मिरर के लिए ध्यान से सुनना, इस मिरर के लिए हमने, अगर हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के साथ का रिलेशन चाहिए, तो दिस इज दी रिलेशन जिसके लिए जो हमें हम प्रूव करते हैं। और जब प्रूव करते हैं तो हम लोग दो तीन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। पहले तो ये समझना कि फोकल लेंथ क्या होती है। तो फोकल लेंथ क्या होती है, अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है आफ्टर द रिफ्लेक्शन जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर कट करती है उसे हम लोग फोकल बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है, फ्रॉम फोकल लेंथ बोलते हैं, फोकल पॉइंट बोलेंगे, जिस पॉइंट को कट करते हैं उसे फोकल पॉइंट बोलेंगे, और पोल से जो लेंथ होगी उसको हम क्या बोल देंगे, फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये ऐसे करके होगा, सेम चीज़ यहाँ पर हो जाएगा, अगर ऐसे करके जा रही है ऐसे होगी, यहाँ पर तो कट करेगा नहीं एक्चुअल, तो यहाँ पर होगा, ये फोकल पॉइंट है और ये फोकल लेंथ है। क्लियर है बात यहाँ पे। तो लेकिन देखो ये जो फॉर्मूला तुम पढ़ रहे हो, जैसे मिरर फॉर्मूला मिरर इक्वेशन पढ़ी तुमने, और एक मैग्नीफिकेशन होता है वही बात करते हैं थोड़ी देर में, बट मैग्नीफिकेशन से पहले जैसे मान लो मिरर फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर मिरर फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, तो अगर मिरर फॉर्मूले को आप लोग बिना साइन कन्वेंशन, और एक और कंडीशन होती है, तो मतलब ये जो फॉर्मूला है ये इनफैक्ट पूरे ऑप्टिक्स में जितने फॉर्मूले मैं यूज़ करने वाला हूँ उसको वो सारा का सारा साइन कन्वेंशन के साथ ही लगेगा। अभी मैं साइन कन्वेंशन की बात करूँगा, और पैरेक्सियल रे के लिए ही वैलिड है, क्योंकि पैरेक्सियल रे क्या होता है, तो पैरेक्सियल रेज वो रेज होती है जो क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो पैरेक्सियल रेज क्या होती हैं, जो क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है, बहुत स्मॉल एंगल बनाती है, बहुत छोटा एंगल बनाती है, तभी आपने शायद कुछ बच्चों ने क्या होगा तो अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं। तो पैरेक्सियल रे अप्रॉक्सीमेशन के साथ ही सारे फॉर्मूला वैलिड है, ये वाला भी, ठीक है। तो ये पैरेक्सियल रेज के लिए होता है, विच इज क्लोज टू द प्रिंसिपल रेज, क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस रेज, क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये बहुत छोटा एंगल कट करती हैं। उनके लिए आपने जो फॉर्मूला डिराइव किया होगा एनसीईआरटी वगैरह में देखा होगा, वहाँ पर इनको बहुत छोटे एंगल के लिए अप्रॉक्सीमेशन लेके ही सॉल्व किया गया था। प्लस मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला भी हम पैरेक्सियल रे के लिए ही कर रहे होते हैं। इनफैक्ट जो भी मैं फॉर्मूला यहाँ डिराइव करूँगा बार बार रिपीट कर रहा हूँ सेम चीज़, पैरेक्सियल रे और साइन कन्वेंशन के साथ ही वैलिड। अब साइन कन्वेंशन मतलब यू वी और जो एफ होगा और भी जो पैरामीटर होंगे उसको हम लोग साइन प्लस माइनस को ध्यान में रख के डालेंगे, ठीक है। तो जैसे आप देखो मिरर फॉर्मूला तुम्हें पता चल चुका है, मिरर फॉर्मूला क्या है 1/f = 1/v + 1/u, ये रिलेशन बताता है डायरेक्ट, अब याद ही रखो भाई। और मैग्नीफिकेशन होता है इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, एंड विच इज फाइनली हम डिराइव कर सकते हैं -v/u के बराबर होता है, -v/u। आई क्या होता है इमेज हाइट, ऑब्जेक्ट क्या होता है ओ क्या होता है ऑब्जेक्ट हाइट, तो आई ओ के रिस्पेक्ट में कितने गुना है वो, ये बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, फैक्टर है बेसिकली, आपको रिलाइज होगा। तो मैग्नीफिकेशन एक फैक्टर है, प्लस माइनस साइन और ये मॉडुलस क्या बताता है इसके हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये हम लोग, ये सिर्फ मिरर के लिए है, मिरर स्फेरिकल मिरर के लिए, ऐसा नहीं कि सब जगह चिपका देना, ये सिर्फ मिरर के लिए है, स्फेरिकल मिरर्स के लिए फॉर्मूला है, स्फेरिकल मिरर। लेंसेज आएंगे तो उनके लिए हम लोग अलग तरीके से डेराइव करेंगे, स्फेरिकल सर्फेसेज आएंगे उनके लिए अलग तरीके से डेराइव करेंगे, ठीक है। तो देखो एक दो तीन छोटी छोटी चीज़ें और हम समझ लेते हैं, जैसे अगर मॉडुलस एम, अगर तुमने
एंड क्या मैग्निफिकेशन ये निकाला, अगर ये एक से ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब जो इमेज होगी वो एनलार्ज होगी, मतलब ऑब्जेक्ट हाइट से ज़्यादा होगी उसकी। अगर एम लेस देन वन आता है इसका मतलब वो डिमिनिश्ड इमेज होगी, ठीक है। अगर एम पॉजिटिव आता है इसका मतलब वो इरेक्ट होगी। इरेक्ट का मतलब क्या होगा, डिमिनिश्ड का मतलब पहले समझो छोटी इमेज होगी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, इमेज की जो हाइट होगी वो ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में छोटी होगी। और जो एम पॉजिटिव होगा इसका मतलब इरेक्ट होगी, मतलब दोनों सेम ओरिएंटेशन होगा, अगर ऊपर है तो अगर एक अप राइट होगा तो दूसरा भी अप राइट होगा, और एक दूसरा डाउन राइट होगा डाउनवर्ड होगा तो दूसरा भी डाउनवर्ड होगा, ऐसे समझ लो डाउनवर्ड होगा, ठीक है। तो दोनों की ओरिएंटेशन सेम होगी। और नेगेटिव आता है इसका मतलब दोनों की ओरिएंटेशन अपोजिट होगी, जिसे हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज, उल्टी इमेज बन जाती है, इन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो इरेक्ट एंड इन्वर्टेड का मतलब आपको समझ आ चुका है। तो ये चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कई बार हमसे पूछ लेता तो हमें पता हो तो बेटर, हम लोग मैग्निफिकेशन से की मदद से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं, साइन कन्वेंशन की बात को समझने की कोशिश करते हैं, साइन कन्वेंशन, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन क्या है, पहली बात सारी डिस्टेंस हम लोग कहाँ से मेजर करते हैं, ये तो समझ में आ चुका है कि हम लोग साइन कन्वेंशन में पॉजिटिव नेगेटिव साइन डालते हैं, बट कहाँ से डिस्टेंसेज मेजर करते हैं, तो सारी डिस्टेंसेज पोल से मेजर करते हैं। जैसे मान लो ये इमेज है, इमेज डिस्टेंस मेजर करनी है तो ये यहाँ से मेजर करें, एरो ये यहाँ से, ये यहाँ से, दिख रहा सबको, सारी डिस्टेंसेस पोल से मेजर करते हैं। अगर इधर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो इधर ऐसे ले जाएंगे, यहीं से डिस्टेंस मेजर होगी, इसको पोल बोलते हैं, ठीक है। अब मुद्दा आता है कि पहला पॉइंट क्लियर होगा, सारी डिस्टेंसेस पोल से मेजर करते हैं, और इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, और ऑब्वियसली पोल से ही पॉजिटिव लेंगे, मान लो इधर आ रहा है तो इसको नेगेटिव ले लेंगे, इधर आ रहा है तो नेगेटिव पॉजिटिव ले लेंगे, खत्म। इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हमेशा पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा नेगेटिव। तो जो भी डिस्टेंस इधर मेजर होगी पॉजिटिव, और जो इधर मेजर होगी नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्लियर है, टू एंड थ्री पॉइंट क्लियर हो गया आपका, मैंने लिख दिया, आप इसको वापस से पढ़ सकते हैं। अगर हम फोर और फाइव पॉइंट की बात करें तो जो ऊपर की तरफ होता है, ऊपर की तरफ का हाइट होता है वो हमेशा पॉजिटिव, और उसके नीचे की तरफ वाला हमेशा नेगेटिव लेते हैं। तो चौथा और पाँचवें पॉइंट मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। एंड ये बात ध्यान रखेंगे, साइन कन्वेंशन मैं मिरर के लिए भी सेम तरीके से यूज़ करूँगा, लेंसेज के लिए भी सेम, स्फेरिकल सर्फेसेस तीनों के लिए, ये छठा पॉइंट जो मैंने ऐड किया यहाँ पर, कि हर जगह पर सेम साइन कन्वेंशन यूज़ करने वाला हूँ। तो आप लोग इस चीज़ को प्लीज़ ध्यान दे लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा पॉइंट है, आप लोग मिस कर दे तो मैं हर जगह सेम साइन कन्वेंशन, अलग नहीं होगा कुछ, हर जगह सेम साइन कन्वेंशन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल फॉर मिरर, स्फेरिकल सर्फेस एंड लेंसेज सबके लिए लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो लेंस में क्या होता है, एक बात समझ लेते हैं, लेंस में क्या होता है कि जो लेंस में पोल होता है उसके जहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर होता है, और लेंस हम लेंस नहीं पढ़ते, थिन लेंस पढ़ते हैं, चलो अभी थोड़ी देर में हम बात आने वाली है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैं बोलूँ कि V और U क्या होगा, तो U इज गोइंग टू बी नेगेटिव, V इज गोइंग टू बी नेगेटिव, R इज गोइंग टू बी नेगेटिव, आई होप आसान सी बात है, ठीक है। तो ये हमें साइन, अगर कोई इधर कुछ होता, मान लो इधर कुछ डिस्टेंस x होती, तो x को क्या हम लोग लेते हैं, पॉजिटिव, जो भी होता अभी देख लेंगे, कहीं आएगा तो देख लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लेना है, क्लियर है बात यहाँ पे, है ना। तो फिर एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू ही रिवाइज होता है, और उसमें सही से आपको फॉर्मूलाज वगैरह लगाओगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अ कॉनकेव मिरर फॉर फेस वीविंग हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 0.4 मीटर, तो जो कॉनकेव मिरर है उसका फोकल लेंथ कितना दे रखा है तुम्हें, 0.4 मीटर दे रखा है, बिल्कुल ठीक बात है। एंड द डिस्टेंस एट विच यू शुड होल्ड द मिरर फ्रॉम योर फेस इन ऑर्डर टू सी योर इमेज अप राइट विद मैग्निफिकेशन 5, देखो भी मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला बताया था, दैट इज माइनस वी बाई यू लिख सकते हैं, करेक्ट है ये बात। अब एक छोटी सी बात हमें यहाँ समझनी पड़ेगी कि अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें, अब तो याद हो जाना चाहिए कॉनकेव मिरर है, उभरा हुआ हिस्सा सिल्वर होना चाहिए, ये बात ध्यान रखें, और ये है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पर एक फोकल पॉइंट होता है, ये है फोकल पॉइंट। अच्छा मैं तुम्हें एक चीज़ अभी बोलूँगा, आगे मैंने बना रखा है, हालांकि अगर तुम फोकल पॉइंट और पोल के बीच में जब अपने आप को रखोगे ना, फोकल पॉइंट और पोल पे, तभी तुम्हारी इमेज अपराइट बनेगी। यहाँ पे कॉनकेव मिरर में एक ही कंडीशन आती है, अब हर का तो याद नहीं रख सकते, हालांकि डायरेक्टली सॉल्व करते तो भी आ जाता, बट मैं ऐसे बता रहा हूँ, तो ये पक्की बात है कि ऐसे रखोगे तो ही यहाँ पे ऐसे बनेगा। तो अब एक देखो, यहाँ पर m प्लस 5 है, ठीक है, और v इक्वल्स टू माइनस 5 u हो गया, ठीक है, ये v इक्वल्स टू माइनस 5 हो गया। अब तुम्हें पता है एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, तो अगर हम यहाँ पर मिरर फॉर्मूला लगाएं, मिरर फॉर्मूला क्या है आपका, मिरर फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, अब तक मैं अभी तो लिख रहा हूँ, बाद में अब डायरेक्टली समझ में आना चाहिए। तो मिरर फॉर्मूला क्या होगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। अब फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, अब फोकल लेंथ इसका क्या होगा, देखो फोकल लेंथ लेफ्ट की तरफ आ रहा है क्योंकि जो कॉन्केविटी होती है, अच्छा फोकल लेंथ के साथ एक छोटी बात और हम लोग नोट में डाल सकते हैं, मैं मिस करके आगे, तो वो क्या होता है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का रिलेशन होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा फोकल लेंथ का डबल होता है, ठीक है। और ये भी पैरेक्सल रे के लिए ही वैलिड है, ऐसा नहीं कि हर बार कर लोगे, पैरेक्सल के लिए ही है ऐसा, पैरेक्सल के लिए ही वैलिड है। तो r इक्वल्स टू 2f हो जाता है,
तो यहाँ पर अगर हम फोकल लेंथ को समझें तो जिधर फोकल जिधर रेडियस होगा उधर ही फोकल लेंथ इस मिरर के लिए केस में मान सकते हैं। तो ये भी लेफ्ट की तरफ होगा फोकल पॉइंट और दिख भी रहा हमें और नेगेटिव आने वाला, तो पॉइंट -0.4 हो जाएगा। और वी कितना हो जाएगा, वी राइट की तरफ है तो 5u मान सकते हैं इसको हम लोग, और -1/u मान सकते हैं। ठीक है ना भाई, आई होप ये बात समझ में आ रही हो आपको। अब ये चीज़ अगर हमें समझ में आ रही है तो हम लोग लिख सकते हैं 1/u, ठीक है, 1/5 -1 इज इक्वल्स टू -1.4। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.32 आ जाएगा आपका, है ना। ऑलरेडी हमने साइन कन्वेंशन यूज़ कर लिया था, देखो हमने मॉडुलस जान लिया, हमने साइन कन्वेंशन डायरेक्टली यूज़ हो तो इसलिए ये पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब हमें ऑलरेडी पता है कि लेफ्ट में हमने इमेज बनी हो, तो वी हैव टू होल्ड एट 0.32 मीटर अवे फ्रॉम द पोल, तभी ये इमेज आपकी अपराइट बनेगी और 5 गुना इमेज बनेगी, ठीक है ना ये बात। तो ये हमने ऑलरेडी, अगर ऑलरेडी आप साइन कन्वेंशन मान लेते हो, अगर तुम नहीं मानोगे तो आंसर उसके हिसाब से आएगा, और अगर तुमने ऑलरेडी मान लिया है तो वो फिर पॉजिटिव ही आता, क्योंकि तुमने पॉजिटिव और नेगेटिव उसको ऑलरेडी मानकर वैल्यू डाल दी है। अब जो आंसर आएगा आपको मॉडुलस में आंसर आएगा, उसका पॉजिटिव आंसर आएगा, ठीक है। ऑल राइट, तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक है। थोड़े से रे डायग्राम की बात कर लेते हैं, रे डायग्राम की बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसमें देखो अगर कहीं पे रे डायग्राम बनाना, तो मैं तुम्हें देखो रे डायग्राम, मैंने ये सेक्शन क्यों उठाया, क्योंकि ये भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से ही होल्ड कर जाते हैं। कैसे करते हैं, देखो हम तीन बेसिक रे मानते हैं, तीन बेसिक रे होती है जो स्टैंडर्ड होती है, उन्होंने ऑब्जर्व किया हर बार ऐसा ही होगा। अगर किसी पैरेलल रे को हम लोग थ्रो करते हैं मिरर की तरफ तो वो हमेशा फोकल पॉइंट से निकलता है। अगर कोई रे सेंटर से पास हो रही है तो वापस रिफ्लेक्ट होती, परपेंडिकुलरली वापस आएगी, पक्की बात है। और अगर तुम फोकस पे पास करते हो तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाती है। तीन बेसिक रे हैं, इसको हम लोग, इनफैक्ट एक और आती है जो हम लोग नहीं देखते बट जनरली यूज़ नहीं करते, ये लाइन अगर पोल पे हिट करती तो ये सिमेट्रिकली निकल जाती है ऐसे आई क्वेश्चन आर फॉलो करके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग सी है कि हर बार आई क्वेश्चन आर फॉलो हो रहा होगा। देखो आई क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आई है तो ये भी आई होगा। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ हो जाएगा, ये मतलब मैंने बहुत अच्छे से ड्राइंग नहीं की है, बट ये अगर टेंजेंट बनाओगे इस पर तो ये आई इक्वस टू आर हो रहा होगा। जो भी रिफ्लेक्शन हो रहा होगा उस पर आई इक्वस टू आर डेफिनेटली हो रहा होगा, ठीक है ना भैया। तो ये तीन बेसिक रे की मदद से हम सारी सिचुएशन समझ सकते हैं। अभी हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करने वाले हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट एक, अब मान लो हम इन्फिनिटी पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कहाँ बनेगी, आपको समझना है इमेज कहाँ बनेगी। इमेज बनेगी आपकी फोकस पे, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट रखते हैं तो अब अगर हम उस पॉइंट ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ ले आते हैं, सेंटर की तरफ, है ना, सेंटर की तरफ ले आते हैं, तो सेंटर की तरफ ले आते हैं, मान लो बीच में यहाँ के रख देते हैं, तो देखो एक रेफरेंस लाइन मैंने बना रखा है, ये जो है ये इसके साथ आई क्वेश्चन टू आई फॉलो कर रहा होगा। अगर अब ये यहाँ से एक रे निकलती है, एक रे लेते हैं हम लोग, यहाँ हिट करती है तो ये एंगल एक्चुअली आप देखोगे पहले वाले से छोटा हो गया, तो पहले वाले छोटा तो रिफ्लेक्टर रे भी रिफ्लेक्शन के बाद छोटा होगा, तो छोटा होने की वजह से तुम्हें पता है ये फोकस और सेंटर के बीच में हिट करेगा, फोकस और सेंटर के बीच में हिट करेगा। तो हम एक्चुअली लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से ही रे डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से देखो ये छोटा एंगल पे ही वापस आएगा, क्योंकि आई क्वेश्चन आर को फॉलो करना, अगर आई क्वेश्चन आर फॉलो हो रहा है तो हमें पता चल चुका है अगर सेंटर्स इन्फिनिटी से रेडियस के बीच में रखते हैं तो जो फोकस होगा वो जो इमेज होगी वो फोकस और रेडियस के बीच में बनेगी, ठीक है। अब अगर हम इसके एक और चीज़ बात करते हैं जो तुम लोग आपस फिर से वापस से जाके देख सकते हो कि इमेज क्या होगी, देखो एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रहा है, इमेज भी रियल है ऑब्जेक्ट भी रियल है, ये बात तो समझ में आ गई, ऑब्जेक्ट रियल है इमेज भी रियल है, ठीक है, ओके ऑल राइट। अगर हम यहाँ पर इसके मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं या बेसिकली एम पॉजिटिव या नेगेटिव, तो यहाँ पर जो एम होता है वो एम क्या होता है -V/U होता है, और दोनों लेफ्ट की तरफ है, दोनों नेगेटिव, इसका मतलब ओवरऑल ये नेगेटिव आने वाला है। नेगेटिव आने का मतलब क्या है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको, नेगेटिव मतलब इन्वर्टेड इमेज होगी। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगी अगर आप इन्फिनिटी से सेंटर के बीच में रखोगे तो इन्वर्टेड इमेज बनेगी, कई बार ये पूछ लेता है एज अ फैक्ट, इसलिए मैं बता दे रहा आपको। और अगर एम की बात करें, अब देखो एम जो होगा वो -V/U होता है, इसके मॉडुलस की बात करते हैं तो मॉडुलस में अगर हम बात करते हैं तो मॉडुलस में जो इमेज डिस्टेंस है, देखो इमेज डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की इमेज डिस्टेंस, वो आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से छोटी है, तो अगर इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस छोटी तो लेस देन वन आने वाला, इसका मतलब ये डिमिनिश्ड इमेज, छोटी इमेज बनेगी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अगर हम आप एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट रखते हैं तो जो चीज़ पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए होल्ड कर जाता है वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए भी होल्ड कर जाता है, ठीक है। तो आप अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट वहाँ रखते हो तो वहाँ पर आपका बेसिकली आपका डिमिनिश्ड इमेज बन जाएगा, ठीक है। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। अब देखो जैसे एक और बता देता हूँ फिर आप लोग खुद से बाकी दोनों कर लेना, मैंने बना तो रखा है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखो अगर आपका सेंटर और फोकस के बीच में तो ये ऐसे करके देखो, एक तो पैरेलल वाली बना ही लो हमेशा, ये रेफरेंस के लिए फोकस होगा तो इससे ही एंगल कर लेना। देखो यहाँ से करोगे अगर यहाँ से रे जाएगी तो ये ऐसे करके जा रही छोटे छोटे एंगल पे, क्योंकि ऑब्वियसली पहले एंगल बड़ा था, देखो अब अगर आप छोटे एंगल पे हिट करो तो छोटे एंगल पर ही रिफ्लेक्ट होगा, बड़े एंगल पर रिफ्लेक्ट नहीं होता। यहीं से आइडिया लगता है अगर हम सेंटर से फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज इन्फिनिटी से
आर से इन्फिनिटी के बीच में बनती है। फिर से आप देख सकते हो यहाँ पर फिर से इन्वर्टेड इमेज ही बनेगी लेकिन मैग्नीफाइड होगी, आप बिल्कुल देख सकते हो कि इस बार वी ज़्यादा और यू कम है, ठीक है। सिमिलरली आप बाकी फोर्थ एंड फिफ्थ भी कर सकते हो, कुछ बहुत बड़ी बात नहीं, फोर्थ और फिफ्थ भी ऐसे ही है। आप नेचर के बारे में कमेंट कर सकते हो, कंडीशन क्या है यहाँ पर, मैंने फोकस से सेंटर के फोकस से पोल के बीच में रखा है और फिर आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो इधर की तरफ आता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा वो है पोल से इन्फिनिटी की, तब कहाँ इमेज बनेगी आप इसको खुद से कर सकते हो। और मैग्निफिकेशन और उसकी ओरिएंटेशन के बारे में कि इन्वर्टेड होगा या इरेक्ट इमेज होगी उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है भाई। तो आगे बढ़ते हैं, ओके। एक छोटा सा ही क्वेश्चन ऐसे है बट इसमें एक्चुअल में आपको रे डायग्राम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सीधा फॉर्मूले से ही हो जाएगा। कैसे होगा, कह रहे हैं ऑब्जेक्ट इज ग्रेजुअली मूविंग अवे फ्रॉम अ फोकल पॉइंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। मान लो अपने पास कॉनकेव मिरर है तो कॉनकेव मिरर बना लेते हैं, ठीक है। ये रहा आपका कॉनकेव मिरर और ये रही आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। अभी कह रहा है कि ये अगर मान लो फोकल पॉइंट है, ये आपका फोकल पॉइंट है, ठीक है, इससे दूर जा रहा है, अवे, इट्स मूविंग अवे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर, और यहाँ से जो डिस्टेंस है उसको एक्स ले लिया है। तो ये एक्चुअली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जो कि पॉइंट के साथ चेंज हो रही है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जो पॉइंट के साथ चेंज हो रही है, इस बात को प्लीज समझ लेना, पॉइंट के साथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज हो रही है, ठीक है। तो कह रहा है ग्राफ बना दो एम वर्सेज एक्स के साथ, एम क्या है मैग्निफिकेशन, और उसके मॉडुलस के साथ बनाना, इस बात को प्लीज देना उसका मॉडुलस। तो एक्चुअल में देखो अगर इमेज की हम बात करते हैं तो 1 बाई एफ, एकदम स्टैंडर्ड रूल फॉलो करो, 1 बाई एफ इक्वल टू 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, मिरर फॉर्मूला है ना। अब इसको मैं एम के टर्म्स में कैसे कन्वर्ट कर दूँ, अब एम और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के साथ, तो ऐसा करते वी मल्टीप्लाई कर देते वी बाई, इनफैक्ट अपन लोग वी मल्टीप्लाई करेंगे तो वी बाई एफ, एक्स में डालना तो एक्स में मल्टीप्लाई यू करना पड़ेगा, तो यू बाई एफ इज इक्वल टू यू बाई वी प्लस वन, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वन, यहाँ पर m की बात को देखने की कोशिश करें तो m माइनस वी बाई यू होता है, इस बात को समझ लें, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा u, u को माइनस डाल सकते हैं, माइनस x अपॉन f, f नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस वन बाई एम प्लस वन, ठीक है। तो वन बाई एम इज इक्वल्स टू, इधर ले आएंगे तो वन माइनस, बेसिकली यहाँ पर हो जाएगा माइनस x बाई f, तो जो m होगा वो जाएगा आपका f अपॉन f माइनस एक्स। लेकिन देखो ये m और a का रिलेशन है, अगर इमेज बनाएंगे तो देखो जैसे जैसे x बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे मैग्निफिकेशन बढ़ रहा है, और ये देखना ध्यान से, नेगेटिव में बढ़ रहा है, तो नेगेटिव में बढ़ने का मतलब क्या होगा, अगर इस इमेज को बनाएंगे तो ऐसे होगा, ऐसे करके बढ़ रहा होगा, ये फोकल पॉइंट होगा तो ये ऐसे करके आ रहा होगा, अब देखोगे तो समझ में आएगा आपको, ये इन्फिनिटी तक जाते थे ऐसे डिक्रीज करेगा, तो ये फोकल पॉइंट होगा। लेकिन यहाँ पर एम और एक्स का बनेगा, आप बढ़ा के देखो मैथ्स की इन्फॉर्मेशन होगी, देखो पहले अगर एफ रख दोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और जैसे जैसे एक्स बढ़ाओगे वैसे वैसे नेगेटिव में वैल्यू आपकी, अगर एक्स बढ़ाते जाओगे तो ये एक्स बढ़ाते जाओगे एफ फिक्स्ड एक्स बढ़ाओगे तो नेगेटिव में वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, आई होप यू अंडरस्टैंड ना। तो बेसिकली ऐसे करके आ रहा होगा, ऐसे सोच सकते हैं हम लोग। तो इसका एक्चुअली मॉडुलस वर्जन होगा, अगर इसके मॉडुलस वर्जन की हम बात करें, इसके मॉडुलस वर्जन की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसका मॉडुलस वर्जन क्या होगा, इसका मॉडुलस वर्जन, इसमें इसका मॉड एम लगे तो नेगेटिव मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हर पॉइंट पर नेगेटिव आ रहा है, तो एफ अपॉन एक्स माइनस एफ आएगा, और इसका मॉडुलस वर्जन जो बनेगा वो ये वाला बन जाएगा, इसका वैसे देख सकते हो उसका मिरर इमेज बनेगा, ठीक है। तो मिरर इमेज जैसा बन जाएगा, आई होप आसान सी बात है, कुछ ज़्यादा बहुत मेजर सी बात नहीं है, तो ये डी ऑप्शन आ जाएगा। तो ये समझना था, इसके मॉडुलस का पूछने का मतलब था कि ऊपर वाले सेक्शन में रखना, पॉजिटिव रखना हमेशा, तो पॉजिटिव बना दिया यहाँ पर, ठीक है ना भाई। तो ये बिल्कुल फॉर्मूले से ही बन जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है सोचने के लिए, बट एक ही ऑप्शन था आपके पास, ऐसा कुछ और ऑप्शन है भी नहीं, है ना। अब देखो जैसे यहाँ पर क्या है कि जीरो पे इन्फिनिटी आ रहा है, जीरो पे इन्फिनिटी नहीं आएगा ना, यहाँ पर एफ पे इन्फिनिटी आ रहा है, तो ये बात तुम लोग ध्यान दे सकते हो। तो एक ही दिया है, फिजिक्स में ज़्यादा परेशान नहीं करता ग्राफ को लेकर, बाकी सब तो बिल्कुल ही नेचर ही अलग है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अगर ये रिफ्लेक्शन की सारी बातें हो गई हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रैक्टिस करते जाएंगे, नेवर एंडिंग लूप है ये, बट हाँ जो बेसिक चीज़ें, जो ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं जिसमें मैंने 2019 डाला है, वो आपका बेसिकली 19 के अप्रैल या जनवरी के पेपर्स होगा, ठीक है। तो मोस्टली सारे ही क्वेश्चन मैंने आए हुए पेपर से लिया हुआ है, ताकि आपको ये फील रहे कि क्वेश्चन हो जाते हैं, बहुत मुश्किल नहीं होते हैं। तो अगर हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो इसमें बहुत आसान सा होता है, अगेन अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा है वही सेम बात, तो हमेशा एक ऐसा पाथ फॉलो करता है जिसमें कम से कम टाइम लगता है, है ना। और लेकिन ये फॉर्मेट ने तो एक्सप्लेन कर ही दिया था, इसके पहले स्नेल्स ने बताया था कि देखो भाई ये है एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये है नॉर्मल, ये है नॉर्मल, आपको समझ में आ रहा होगा, ये है नॉर्मल और ये है इंसिडेंट, है ना, और ये है रिफ्रैक्टेड रे, आई होप ये समझ में आ रहा होगा।
तो अगर एंगल के साथ रिलेट करना चाहे तो म्यू वन एंड म्यू टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसा फैक्टर है जिससे लाइट की स्पीड किसी मीडियम में कम होती है विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। अब बार बार लिखवाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, आपको समझ आ जाना चाहिए। इट इज़ अ फैक्टर बाई विच स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेज इन दी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो म्यू वन एंड म्यू टू फैक्टर है, रेशियोज हैं, ठीक है। तो म्यू वन है यहाँ पर और म्यू टू है, इसके साथ रिलेशन बनाया इन्होंने साइन आई म्यू वन, स्नेल ने बनाया था, और साइन आर इंटू म्यू टू। आई और आर वही सेम है, आई एंगल ऑफ इंसिडेंट है और आर इस बार क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल है, ठीक है, जो नॉर्मल के साथ ही मेजर करते हैं। और तीनों ही रेस फिर से सेम प्लेन में होगा, ये स्नेल ने बताया था, और इसको हम लोग फॉर्मेट प्रिंसिपल से प्रूव कर सकते हैं। ये तो ठीक है, इसमें कोई घपला नहीं लग रहा होगा आपको। तो अगर हम बी की बात करते हैं, स्फेरिकल थ्रू स्फेरिकल सर्फेस की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर दो मीडियम ले लिया हमने, एक म्यू वन ले लिया है, देखो ये म्यू वन ले लिया है, और दूसरा क्या आपका म्यू टू ले लिया है, ठीक है। अगर हमने म्यू वन एंड म्यू टू ले लिया है, इस बार जो सरफेस था, देखो यहाँ पर कोई मिरर विरर नहीं, स्फेरिकल सरफेस है बस, मतलब रे जाएगी, क्रॉस करेगी, बिल्कुल क्रॉस करेगी। और आप उसको प्रूव करना चाहोगे तो दोनों के बीच में रिलेशन भी निकल जाता। तो अगर ए यहाँ पर ऑब्जेक्ट है मान लो, और यहाँ पर कहीं जाकर इमेज बनी है, तो जो रिलेशन बनेगा, ये इमेज डिस्टेंस होगी वी, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कहीं पर होगा, है ना भाई। तो ये इसके साथ हमने एक रिलेशन बनाया, सेम फॉर पैरेक्सियल रेज, है ना, पैरेक्सियल रेज के लिए और साइन कन्वेंशन के साथ वैलिड है। पैरेक्सियल रेज एंड साइन कन्वेंशन के साथ एक रिलेशन बनाया, ये भी आपको पढ़ाया गया होगा, आई एम श्योर रिवीजन है तो आपको समझ आ ही रहा होगा। तो म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन, म्यू वन क्या भैया और म्यू टू कैसे लें, बड़ी कन्फ्यूजन होती है। मैंने कहा इंसिडेंट रे जिस मीडियम में लाई करते, इंसिडेंट रे है ना, इट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम वेयर इंसिडेंट रे इज लाइज। तो ये आपका हो जाएगा इंसिडेंट रे वाला म्यू वन होगा, और रिफ्रैक्टेड रे वाला क्या होगा आपका म्यू टू होगा, इस फॉर्मूले में जो मैंने डराइव करके यहाँ पर, या स्टैंडर्ड सारी बुक यही फॉलो करती है, ठीक है। तो यहाँ जो म्यू टू होगा वो आपका रिफ्रैक्टेड मीडियम में, जो बेसिकली रिफ्रैक्टेड मीडियम में, जो रिफ्रैक्टेड मीडियम में, जिस मीडियम में रिफ्रैक्टेड रेज है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। और यू वी आर आपका सब कुछ साइन के साथ ही जाएगा। आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल सर्फेस। अगर स्फेरिकल सर्फेस के लिए कर रहे हैं ना, तो स्फेरिकल सर्फेस ही लेंगे। आई होप ये छोटी सी बात आपको समझ में आ रही होगी, स्फेरिकल सर्फेस है, ठीक है। तो यहाँ पर म्यू टू और म्यू वन में कन्फ्यूजन आती है, उसके बाद तो क्लियर है, म्यू वन इंसिडेंट रे, म्यू टू रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर है। यहीं पर मैंने एक मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला डाला है यहाँ पर, लेकिन म्यू वन म्यू टू पे भी डिपेंड कर रहा है। तो म्यू वन वी अपॉन म्यू टू वी इक्वल टू आई बाई ओ, यहाँ पर वी बाई यू मत कर देना, यहाँ पर फॉर्मूला अलग है। तो इस फॉर्मूले को प्लीज़ ध्यान से याद कर लेना, ये कई बार पूछ लेता है, आप लोग करते नहीं ध्यान से याद, तो ये एग्जाम में डराइव करने का टाइम तो देखो होता नहीं भाई। तो प्लीज़ याद कर लेना इस फॉर्मूले को, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, मैं मार्क कर दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट, कई बार आ जाता तो आप इसको डायरेक्टली कर लेना, ठीक है। तो ये मैग्नीफिकेशन का, इमेज हाइट अपॉन मैग्नीफिकेशन हर बार आई बाई ओ ही होता है, लेकिन वो रिलेशन जो होता है वो बदल जाता है सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है भाई, ओके ऑल राइट। दो चीज़ें और हैं जो हम बात कर सकते हैं, दो चीज़ें वो क्या हैं बात करते हैं। यहाँ पर अगर एक कंटेनर है, अब ये एक्चुअली रिफ्रैक्शन थ्रू द प्लेन सरफेस वाला ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो अगर मान लो यहाँ पर एक कंटेनर है जिसके अंदर कुछ लिक्विड भरा है, वाटर लिख देते हैं इसको, वाटर भरा हुआ है, ठीक है। तो अगर यहाँ वाटर है और बाहर एयर है, और एक ऑब्जर्वर है जो अंदर कोई एक पॉइंट उसको देखने की कोशिश कर रहा, तो एक्चुअल में ये एक्चुअल डेप्थ पे नहीं दिखता। अगर तुमने खुद भी घर में कभी ऑब्जर्व करोगे तो बहुत स्टैंडर्ड सी चीज़ है, अगर आप सिक्का डाल दो पानी के अंदर और उसे देखने की कोशिश करो, थोड़ा ऊपर लगता है आपको ऐसा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर हम इसके रे डायग्राम को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, मान लो यहाँ से रे निकलती है और जब रिफ्रैक्ट होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, है ना। तो अच्छा ये तो पता होगा ना, डेंसर से रेयर जाने में हमेशा नॉर्मल से दूर जाती है, और रेयर से डेंसर जाने में नॉर्मल की तरफ जाती है, ये रटा मान लो भाई, ये लिखवाने का इतना समय नहीं, आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। तो देखो ये दूर जा रही है, रेयर से डेंसर दूर जा रही है, ठीक है। जब दूर जाएगी ऐसे दूर फैलेगी, तो इसका जब हम रिट्रेस करेंगे तो इमेज यहाँ बनती है दिखती है। तो एक्चुअल में आपको ऑब्जेक्ट नहीं दिखता, उसकी इमेज दिखती है, ठीक है। तो इमेज दिख जाती है, इस बात को प्लीज़ ध्यान रखेंगे, तो इमेज दिख जाती है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसी से हम लोग इसकी इमेज हाइट निकाल लेते हैं। वो जो इमेज हाइट होती है वही अपेरेंट डेप्थ होती है। ये ऑब्जेक्ट हाइट आपकी एच है, ऑब्जेक्ट डेप्थ एच है, और इमेज डेप्थ आपकी अपेरेंट डेप्थ होती है, वो जो दिख रही होती है वो हमेशा इसी, देखो इसी फॉर्मूले से आती है, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। फ्लैट सरफेस है तो इन्फिनिटी हो जाता है, तो ये जीरो हो जाता है। म्यू टू आपका क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे एयर है, तो वन बाई वी हो जाता है माइनस, अब म्यू वन क्या हो गया, म्यू वाटर ले लेते हैं, अपॉन अपना क्या हो गया यू हो गया, यू क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस एच हो जाएगा। तो जो वी आएगा, तो ये एक्चुअली यहाँ में म्यू एयर डाल देते हैं, है ना। तो एच जो आएगा, विच इज़ वी जो आएगा, वो आ जाएगा एच इंटू म्यू एयर अपॉन म्यू वाटर।
और एयर में ऑब्जर्वर है और वाटर में ऑब्जेक्ट है, तो वही उसी चीज़ को हमने डिफाइन कर लिया। देखो अपेरेंट डेप्थ होगी जो, वो आपकी क्या होगी, एक्चुअल डेप्थ, रियल डेप्थ, ठीक है, अप इन टू म्यू ऑब्जर्वर अपॉन म्यू ऑब्जेक्ट। ये हर जगह लगा सकते हो, चाहे रेयर से डेंसर में, चाहे डेंसर से रेयर में हो। अगर आप रेयर से देखोगे तो हमेशा ऊपर दिखेगा, और अगर डेंसर से देखोगे तो हमेशा नीचे जाके ज़्यादा डेप्थ पे दिखेगा। ऐसा भी हो सकता है, अगर डिपेंड करता है आप जैसे पानी के अंदर से बाहर की चीज़ को देखोगे ना तो आपको थोड़ा दूर दिखता है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग। स्विमिंग करते हो अगर आप देखोगे बाहर तो आपको लोग चीज़ें दूर दिखेंगी, ठीक है, ये भी होता है, तो इस बात को प्लीज़ ध्यान रखेंगे। अब इसका दो चीज़ें और हम लोग समझ सकते हैं, ये याद रहेगा, ये प्लीज़ फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं इंपॉर्टेंट में ना, वरना कन्फ्यूजन होगी। ये लो मार्क कर लिया मैंने, तो आप भी मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपेरेंट डेप्थ है ना, तो ये डेंसर और रेयर दोनों के लिए वैलिड है, ज़्यादा कम दोनों बता गया, डिपेंड अपॉन कि आपका म्यू ऑब्जर्वर क्या है और म्यू ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। अब ऐसे ही अगर मान लो ये तो सिंगल मटेरियल है, अगर मान लो बहुत सारे मटेरियल आ जाएगा, अगर बहुत सारे मटेरियल आ जाएगा तो कोई बात नहीं जी। देखो जैसे यहाँ पर बहुत सारा मटेरियल आएगा, जैसे यहाँ पर मान लो कुछ अलग मीडियम है ना, देखो यहाँ पर कुछ अलग मीडियम है, यहाँ पर अलग मीडियम है, और यहाँ पर मान लो कुछ अलग मीडियम है यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर ऑब्जर्वर बेचारा बैठ के देख रहा है, यहाँ पर ऑब्जर्वर बेचारा बैठ के देख रहा है ना, तो अगर ऑब्जर्वर यहाँ देख रहा है तो दो मीडियम है, तो उसके लिए भी अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला हम लोग, ये डेराइव भी हो जाता है बट हम लोग याद ही रखेंगे। याद रखो क्या होगा, म्यू नॉट विच इज म्यू ऑब्जर्वर, टी वन अपॉन म्यू वन प्लस टी टू अपॉन म्यू टू, याद रखो भाई, अगर और है तो टी थ्री अपॉन म्यू थ्री, जितने स्लैब होगा उसके हिसाब से कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला भी आपके लिए मेन्स जैसे एग्जाम के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट, मैं एडवांस के लिए तो नहीं बोलूँगा रटने के लिए, बट मेन्स जैसे एग्जाम के लिए तो रट लो भाई, है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको याद ही होना चाहिए, इसमें सेकेंड थॉट भी मत दो। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अपेरेंट डेप्थ का, टी वन थिकनेस है, म्यू वन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है, टी टू थिकनेस है मीडियम की और म्यू टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, म्यू नॉट क्या ऑब्जर्वर की है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो म्यू नॉट मैंने यहाँ एयर बना रखा है, एयर या कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन, यहाँ पर एयर है फिलहाल बट कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। तो अब इसी पे देखते हैं कितने क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले मैं इसी पे एक क्वेश्चन ले रखा है जो बिल्कुल रिसेंट क्वेश्चन है, जो जिस पे ऐसी मार्किंग है ना वो रिसेंट वाले 2020 वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अ वेसल डेप्थ 2h इज हाफ फिल्ड विद लिक्विड ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब बेसिकली देखो ये मीडियम अलग है, ये मीडियम अलग है ना, इसकी हाइट कितनी, हाफ फिल्ड है तो हाफ फिल्ड टोटल हाइट 2h थी, और इसकी हाइट कितनी है भाई, इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट आपकी भी h है इसका, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है अपना अलग है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, दोनों की हाइट सेम है लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। और ऑब्जर्वर कहाँ से देखने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे देखो ये ऑब्जर्वर यहाँ से देखने की कोशिश कर रहा है ना भाई, तो अगर ऑब्जर्वर यहाँ से देखने की कोशिश कर रहा है तो मैं बोलूँ कि ऑब्जर्वर को बेस पॉइंट कितनी ऊपर दिख रहा होगा, तो क्या कहेंगे भाई, अपेरेंट डेप्थ निकाल लेते हैं। अपेरेंट डेप्थ क्या होगा, म्यू ऑब्जर्वर एयर है भाई, ठीक है, एयर है और एच टी वन बाई म्यू वन, अगर नीचे अलग लेते हैं तो रूट टू प्लस एच अपॉन टू रूट टू, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे अपेरेंट डेप्थ के लिए, एच कॉमन ले लेते हैं, रूट टू भी कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा थ्री बाई टू, करेक्ट है बात, तो हो जाएगा अपना थ्री रूट टू बाई फोर इंटू एच, ये अपेरेंट डेप्थ। तो बिल्कुल फॉर्मूला फ्री का मार्क है, अगर फॉर्मूला भी याद है तो आपको फ्री का मार्क मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो कितनी आसानी से ये सिचुएशन सॉल्व हो गई आपकी, है ना, देखो अब ये चीज़ अगर आपको फॉर्मूला याद, अब कहीं एग्जाम में डराइव करना पड़ गया तो फिर क्या करोगे भाई, नंबर जाएंगे, टाइम जाएगा, प्रेशर आएगा, तो इससे बढ़िया आप इसको याद ही कर ले मेंस के एग्जाम के लिए। तो मैं आई रिकमेंड कि आप याद करके चलो भाई, मेंस एग्जाम के लिए आई हाईली रिकमेंड कि आप याद करके चलो, ठीक है, ओके। ये 2020 का ऐसा, देखो चार मार्क तो मतलब चार मार्क से कितनी रैंक चेंज होती है आपको पता ही होगा। ये क्वेश्चन मैं थोड़ा डिफिकल्ट बोलूंगा बट लेट अस डिस्कस, एक आप नई चीज़ सीखोगे आप यहाँ पे। यहाँ पर क्या है, देयर इज अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट एट सम डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ द वाटर, यहाँ पर एक पॉइंट सोर्स पड़ा हुआ है ना। अब यहाँ पर एक छोटा सा पहले मैं कॉन्सेप्ट बताना, अब इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, दिमाग में रख लेते हैं। बेसिकली एक पॉइंट सोर्स पड़ा हुआ है, और तुमने अगर टी आई आर का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो एक सर्टेन एंगल हिट करने के बाद वो वापस आना शुरू हो जाता है, ये पता है सबको, ये बना भी रखा मैंने यहाँ पे। जैसे ये अगर मान लो क्रिटिकल एंगल है जिसपे टी आई आर होता है, टी आर मतलब कि उसके बाद बड़े एंगल वगैरह हिट करोगे तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी रे। तो कह रहा है कि अगर एक पॉइंट सोर्स है तो यहाँ से कितने एक पर्टिकुलर सेक्शन से लाइट निकल रही, तो कितना परसेंटेज ऑफ लाइट वहाँ से निकल जा रही है, पूछ रहा तुमसे कि अब यहाँ पर बाकी सारे डेटा दिया हुआ है, लेकिन उसके पहले हम इस ऐसे कॉन्सेप्ट को, सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट है, बहुत जगह यूज़ होता है, आप यूज़ कर सकते हो। तो सॉलिड एंगल कॉन्सेप्ट है, देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है सॉलिड एंगल क्या होता है। चलो मैं एक छोटी सी बात और समझ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सॉलिड एंगल क्या होता है, जैसे 2D एंगल की बात करते हैं, 2D एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल और 2D एंगल की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये मेरे कैमरे से चिप रहा है, मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ओके,
चलो इसको यहीं रहने देते हैं, यहाँ पर एक मैं अलग से बना देता हूँ। ये एक्चुअली जो यहाँ मैंने बनाया वो ऐसा कुछ है, ऐसे करके 2D एंगल दिखा रखा है मैंने, ठीक है। ओके, ये थीटा पे है, कोई बात नहीं। तो ये 2D एंगल है। ये 2D एंगल क्या होता है, अगर इस 2D एंगल की बात हम लोग करें तो 2D एंगल ये है ना, ये 2D एंगल और ये 3D में एंगल है। तो एक्चुअल में जो सॉलिड एंगल होता है वो 3D में एंगल होता है, और जो 2D में होता है वो तो आप पढ़ते ही हो। तो जो सॉलिड एंगल होता है कि इसका 3D एनालॉग होता है, 3D एनालॉग होता है, इस बात को समझ लें, एनालॉग होता है, ठीक है। ये 3D जो सॉलिड एंगल होता है 3D एनालॉग होता है। वो एक्चुअल में विजुलाइज कैसे करते हैं, जैसे 2D में तो एक 2D एंगल देखते हैं और आर्क बाई रेडियस कर लेते हैं। ये हमने पढ़ा आर्क बाई रेडियस, ये देखो आर्क बाई रेडियस, क्यों भाई आर्क बाई रेडियस ही तो पढ़ा है, कुछ और थोड़ी पढ़ा है। आर्क बाई रेडियस, चलो ये आर्क बाई रेडियस हो गया। अब अगली बात क्या आती है, अगर हम सॉलिड एंगल की बात करते हैं तो सॉलिड एंगल एक्चुअली जैसे यहाँ पर देखो, मैंने बना भी रखा ग्रीन में, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सॉलिड एंगल है। ये एंगल एक्चुअली जो 3D में एंगल, 3D में एंगल कट करता है उसे हम लोग सॉलिड एंगल बोलते हैं। ये वाले रीजन को हम लोग इसको बोल रहे हैं सॉलिड एंगल। ये 3D सरफेस के साथ कट करता है, जो एंगल सरफेस के साथ करता है उसे हम लोग बोलते हैं बेसिकली 2D का 3D एनालॉग है, मतलब ना 2D का 3D एनालॉग है ये। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर एंगल को 3D में देखना हो तो ऐसे देखना होता है, ये तुम्हारा जो एंगल है ये एंगल है। तो अब जैसे हमने वहाँ पर आर्क बाई रेडियस डिफाइन किया, तो इस पूरे सरफेस के सारे पॉइंट के सारे रेडियस को एक पर्टिकुलर पॉइंट के साथ जितना एंगल 3 डायमेंशन में कट करता है उसी को हम सॉलिड एंगल बोल देते हैं, है ना भाई। तो अब जैसे वहाँ पर आर्क बाई रेडियस डिफाइन करते, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है ये भी समझें। यहाँ पर सॉलिड एंगल जो होता है, जो सॉलिड एंगल होता है वो तुम्हारा क्या आता है, सॉलिड एंगल जो आता है वो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कौन सा सरफेस एरिया की बात करें, ये वाला सरफेस एरिया जो बेसिकली पूरा का पूरा सरफेस एरिया कट कर रहा है, ये बात ध्यान देना। ये पूरा सरफेस एरिया एक सरफेस यू कैन से आर्क एक सेक्टर कट कर रहा होगा, सरफेस एरिया वाला सेक्टर कट कर रहा होगा ना, तो वो बात ध्यान रखेंगे, सरफेस एरिया का पूरा सेक्टर ही कट कर देता है। तो ये वाला पूरा ध्यान देंगे एक बार तमीज से कि ये सरफेस पूरा जो कट करता है, सरफेस एरिया अपॉन जो रेडियस होता है वो होता है। याद करने में भी आसान है, वहाँ आर्क बाई रेडियस, यहाँ सरफेस एरिया बाई रेडियस स्क्वायर होता है। अब देखो सरफेस एरिया ऑफ द सेक्टर, स्फेरिकल सरफेस एरिया के लिए हम लोग याद कर सकते हैं वो कितना होता है, तो वो तुम्हारा होता है सरफेस एरिया कितना होता है, याद रखेंगे प्लीज, एस इक्वल्स टू 2π आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। अब वो कॉस थीटा क्या होता है, जैसे मान लो एक सेक्टर का एंगल लेना है, तो यहाँ पर प्लीज़ ध्यान रखेंगे इस बात को कि ये हाफ एंगल होता है, जो थीटा यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है ये हमेशा हाफ एंगल होता है। तो यहाँ पर थीटा जो है इस सेक्टर का एरिया सॉलिड एंगल निकालने की कोशिश कर रहे हैं और एरिया निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो एरिया होगा वो 2π आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा होगा, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पर जो थीटा होता है वो हाफ एंगल होता है, जो भी एंगल होगा उसका हाफ एंगल कट करेंगे, तो हाफ एंगल, ठीक है, प्लीज़ इस बात को ध्यान रखेंगे। और 2π आर स्टैंडर्ड है, थीटा हाफ एंगल, मतलब उसको 2D में चिपकाओ और जो हाफ एंगल आएगा वही है बेसिकली, इसको 2D में चिपका दो, जो हाफ एंगल दिखेगा वही, उससे हम सॉलिड एंगल निकाल लेते हैं। अब जो सरफेस एरिया अपॉन आर स्क्वायर आएगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल। तो यहाँ पर जो सॉलिड एंगल होगा वो होगा 2π, देखो अगर इसको हम सर आर से डिवाइड करें तो आर कट जाएगा, तो सॉलिड एंगल जो आपका आएगा ये रट लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये रट लिया जी। ये क्या है तुम्हारा सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट है, तो सॉलिड एंगल के लिए रट लिया हमने, ये देखो रट लिया। तो सॉलिड एंगल किसी भी जो भी कट कर रहा होगा होगा सिग्मा इज इक्वल टू 2π इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है भाई। तो अगर हम सॉलिड एंगल रट पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर अब इस कॉन्सेप्ट सॉलिड एंगल अगर अपन को आ गया, सॉलिड एंगल निकालना आ गया, ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं सॉलिड एंगल। जैसे अगर मान लो पूरे स्फेयर की बात करते हैं, उसके सॉलिड एंगल की बात करते हैं, तो स्फेयर का सॉलिड एंगल जो होगा वो होगा, देखो यहाँ पर निकाल लेते हैं स्फेयर का सॉलिड एंगल निकाल लेते हैं, थोड़ा समझ में आता है। स्फेयर का सॉलिड एंगल निकाल, तो उसको 2D में चिपकाओगे तो उसका हाफ एंगल कितना आएगा, पाई आएगा, तो हो जाएगा अपना 2π इंटू 1 माइनस कॉस पाई। कॉस पाई कितना होता है, माइनस वन, माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, तो जो सॉलिड एंगल ऑफ द स्फेयर होता है वो 4π होता है। पूरा उसको अगर घुमा के ऐसे देखेंगे ना, ऐसे घुमा कर देखेंगे तो 4π का आंसर आना, जो पूरा कट करता है वो 4π का आंसर आता है, ठीक है। तो विजुलाइजेशन ऐसे ही होगी, अब इसको पूरे में घुमा के देखेंगे तो जो एंगल आएगा वो 4π होगा। अगर आप सेमी सर्कल लोगे, बेसिकली हाफ लोगे, तो हाफ में यहाँ पर पाई बाई 2 आ जाएगा, कॉस पाई बाई 2 0 हो जाएगा, उसमें 2π एंगल आ जाएगा, तो ठीक है, वहाँ पर 4π आता है और हेमिस्फेयर में 2π आएगा, ठीक है। तो अगर ये बात समझ में आ रही है तो अभी विल गेट बैक टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बट उसके पहले अच्छा चलो टोटल अब ये बात रट लेते हैं। अगर हम लोग तो अगर हमें सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट रट गया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, TIR का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। देखो TIR का कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ का बताया, दोनों साथ में यूज हो रहा है, दोनों बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है, दोनों साथ में यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर मान लो एक सर्टेन एंगल पर, अच्छा ये जो होता है TIR होता है टोटल, वो हमेशा डेंसर से रेयरर के लिए होता है। रेयरर से डेंसर में क्या होता है, टूवर्ड दी नॉर्मल जाता है, तो कभी भी TIR नहीं हो सकता। देखो जैसे इस पर्टिकुलर एंगल की हम लोग बात करते हैं, देखो जैसे यहाँ पर जा रहा है रे, है ना, देखो ये जा रहा है ऐसे, अगर थोड़ा एंगल बढ़ाते हैं तो बेसिकली अगर ये ऐसे जा रहा है तो हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, अगर ये बेसिकली दूर जा रहा है, ये ऐसे था तो ऐसे था और ये एंगल ये वाला था।
अब ये वाला था तो ये ऐसे हो गया, ये वाला था तो ये ऐसे मान लिया, ये टी आई आर वाला एंगल है जो मैंने किया, जो 90 हो जाता है वो टी आई आर वाला होता है। तो टी आई आर में क्या होता है, देखो साइन थीटा सी क्रिटिकल एंगल जिस पे टी आई आर हो रहा है इनटू इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स म्यू मान लेता हूँ, यहाँ एयर मान लेते हैं और यहाँ म्यू मान लेते हैं, ठीक है, ये बस प्रूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पर साइन 90 हो जाएगा इनटू 1 हो जाएगा, तो साइन थीटा सी क्या हो जाएगा अपना, साइन थीटा सी इक्वल्स टू 1/μ, ये हो जाएगा आपका क्रिटिकल एंगल, जिसके बाद अगर इससे बड़ा एंगल पे हिट करोगे तो हमेशा टी आई आर होता है। अच्छा देखो बहुत सारे बच्चे कहते हैं भैया कि अवे बढ़ता क्यों जा रहा है, जैसे जैसे इंसिडेंट एंगल बढ़ा रहे हो तो अवे क्यों जाता जा रहा है, क्योंकि भाई देखो कॉमन सेंस, साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू टू बाई म्यू वन होता है। अब तुम अगर आई बढ़ाओगे, म्यू टू बाई म्यू वन तो बढ़ नहीं रहा है, तो आर को तो बढ़ना ही पड़ेगा ना भाई, कॉमन सेंस लगाओ। तो ऐसे ही करके हम लोग चेक कर लेते हैं कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन बढ़ जाता है, तो वहीं से टी आर का कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन ये तभी आएगा जब डेंसर से रेयर की तरफ जाएगा, अगर डेंसर से रेयर में नहीं जा रहा तो टी आर का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। अब देखो अगर इस चीज़ को समझे हम लोग, ठीक है, अब ऐसे समझते हैं, अब हम कैसे सॉलिड एंगल को यूज़ करते हैं। देखो एक पॉइंट सोर्स है, तो यहाँ पर मैंने कैलकुलेट कर रखा है कि इस पर्टिकुलर एंगल पर टी आई आर हो रहा है, तो यहाँ से सारी रेज निकलेंगे। तो अब तुम्हें निकालना कि देखो ये बहुत सारी रेज निकाल रहा है तो कितना परसेंट यहाँ से रिफ्रैक्ट हो जा रहा है ये निकाल रहा है, बाकी बेसिक इन्फॉर्मेशन इसमें दे रखा है। तो ये पॉइंट सोर्स हमेशा रेडियली आउटवर्ड, ऐसे सोचो ना, ऐसे बहुत सारी रेज ऐसे बाहर की तरफ जा रही होगी, बहुत सारी रेज बाहर की तरफ जा रही होगी, तो इस रीजन से जितनी रेज, जितनी परसेंटेज ऑफ रेज इस रीजन से जा रही है उसके बारे में हम लोग को बात करनी है, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, अब अगर हम इसको सॉलिड एंगल के प्रॉस्पेक्ट में देखें तो एक्चुअली एक सर्कुलर रीजन आता है, अगर ऐसे विजुलाइज करो कि बेस पर है, ऐसे स्फेरिकल रीजन जा रहा है, और एक फ्लैट सरफेस ऐसे करके, फ्लैट सरफेस है और फ्लैट सरफेस से निकलेगा एक सर्कल कट करेगा, देखो मैंने सर्कल ड्रॉ भी कर रखा है, इस सर्कल वाले रीजन से ही सारी रेज निकल रही होगी, इसके बाद जो भी रेज हिट कर रहे होंगे वो रिफ्रैक्ट रिफ्लेक्ट हो जा रही होंगे क्योंकि वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा। तो पहला काम करते हैं क्रिटिकल एंगल निकाल लेते हैं, दैट इज़ अब हमें पता है साइन, लेट्स अज्यूम दिस इज द एंगल, ठीक है, ये है क्रिटिकल एंगल, तो साइन थीटा सी इंटू 4/3 वाटर के केस में इज इक्वल्स टू साइन 90, जस्ट रिफ्रैक्शन वाली, और एयर में जा रहा है, ये एयर है और ये वाटर है, ठीक है, तो 1 हो जाएगा, तो साइन थीटा सी इज गोइंग टू बी 3/4, करेक्ट है ये बात, आई होप छोटी सी बात है। तो अब पहले इस चीज़ को और समझ लेते हैं, तो ये बात समझ में आ गई, साइन थीटा सी पता चल गया। अगर हम एक स्फेयर लेते हैं, अब ऐसे सोचो एक स्फेयर लेते हैं, एक स्फेयर ले लेते हैं, एक स्फेयर ले लेते हैं, देखो ये स्फेयर है, इसके इस रीजन से ही लाइट जा रही है ऐसे सोचो, और यहाँ पर पॉइंट सोर्स पड़ा हुआ है, तो इस रीजन से जा रही है, तो हम इसको ऐसे एंगल कट कर सकते हैं, ऐसे एंगल कट कर सकते हैं, और ये एक्चुअल में यहाँ से कर रहा तो यही थीटा सी था, तो ये भी थीटा सी होगा, करेक्ट है बात। तो यहाँ से देखो जो रे निकलेगी इसको हम लोग सॉलिड, अगर जो जो बेसिकली देखो ध्यान से सुना, जो इस सरफेस से निकलेगी वही पूरा स्फेरिकल सरफेस से भी निकलेगी, जो इस सरफेस से निकलेगी वही पूरी स्फेरिकल कर्व सरफेस से भी निकलेगी, ठीक है ना, तो ये यहाँ से भी पूरी वही सेम निकलेगी यहाँ से ऐसे ऐसे करके। तो नंबर ऑफ रेज, तो अगर हम ऐसे सोचें देखो पूरा स्फेयर है, टोटल रेज कितनी एमिट कर रही होगी, तो 4π रेडियन में, ऐसे सोचो 4π रेडियन में कितनी रेज एमिट करेगी, लेट्स अज्यूम दैट टोटल नंबर ऑफ रेज आर 5 नॉट, ऐसे परसेंटेज देखना है तो 1 रेडियन में कितना करेगा, 5 नॉट अपॉन 4π। तो यहाँ पर सॉलिड एंगल कितना, लेट्स अज्यूम सिग्मा है, तो सिग्मा में कितना करेगा, 5 नॉट, है ना, 5 नॉट अपॉन 4π इंटू सिग्मा। अब सिग्मा निकालने की कोशिश करते हैं, तो सिग्मा कितना होगा भाई, सिग्मा होने वाला आपका 2π इंटू 1 माइनस cos थीटा। अच्छा देखो थीटा सी यहाँ पर है, तो थीटा सी यहाँ पर है, तो यही वाला थीटा सी एक्चुअली आपका हाफ एंगल, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो, है ना, तो थीटा सी है, तो थीटा सी हमने कितना, साइन थीटा हमने निकाला था, साइन थीटा निकाला था 3/4, तो कॉस थीटा आ जाएगा आपका √7/4, कैलकुलेट कर सकते हो, आसान सी बात है। तो यहाँ जो सिग्मा आएगा वो आएगा आपका 2π 1 माइनस √7/4, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 नॉट, तो ये एक्चुअली जो इतने में जा रहा है फ्लक्स होगा, तो इस फ्लक्स को मान लेते हैं 5 डैश है, तो 5 डैश में कितना फ्लक्स होगा, 5 नॉट इंटू 1 माइनस √7/4, है ना, ऐसे नहीं, बाई फोर है ना, अपॉन 4π है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अभी अभी देखो मुद्दा ये है कि 4π भी है और यहाँ पे 2π भी है, तो कट जाएगा, तो ये जो अल्टीमेटली 5 डैश आएगा, ये 5 डैश कितना आएगा, 5 नॉट 1 माइनस √7/4, है ना, तो 5 डैश अपॉन 5, ये तो एक फ्रैक्शन है, अगर इसकी वैल्यू निकालोगे तो ये कुछ सॉल्व किया हुआ है मैंने, 0.17 आता है, विच इज़ 17% ऑफ द लाइट विच इज़ पासिंग। तो ये सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट से फटाफट हो गया, क्योंकि देखो ऐसे कुछ रेडियली आउटवर्ड एन लाइंस निकलोगे, यूनिफॉर्मली निकलोगे, यूनिफॉर्म एंगल पर सारी रेज होंगी, ऐसे यूनिफॉर्मली एक स्फेयर पर देखेंगे तो यूनिफॉर्म एंगल पर सारी होंगी, है ना, तो वो एक एक यूनिफॉर्मिटी के हिसाब से बटी होगी, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, अगर पॉइंट सोर्स है तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेज होगा जो सर्फेस के थ्रू निकल रही होगी। तो अगर
वही हम यूनिटरी रूल लगा सकते हैं, है ना। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, एक बार और अगर तुम लोग देखो तो मे बी यू विल बी गेटिंग दिस आंसर, यू विल बी अंडरस्टैंडिंग दिस। तो ये हो जाएगा आपका 17% इज द आंसर, इसी साल आया था। थोड़ा डिफिकल्ट, अगर एग्जाम में छूट भी जाए तो कोई बात नहीं यार, एक आध क्वेश्चन तो छूट भी जाता है, बट मैंने कवर कर लिया ताकि आपको थोड़ी सी अच्छी फीलिंग आ जाए। और आपको दो कॉन्सेप्ट पता चल चुके हैं, TIR का कॉन्सेप्ट पता चल चुका है और सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट से करना आ चुका है मैं, ठीक है। अब इन द फिगर द ऑप्टिकल फाइबर इज एल इक्वस टू 2 मीटर लॉन्ग एंड हैज डायमीटर डी इक्वस टू 20 माइक्रोमीटर। तो यहाँ पर भी अब देखो, कह रहा है कि मैं तुम्हें सीधा क्वेश्चन समझाता हूँ कि एक रे है यहाँ पर 40 डिग्री पर हिट कर रही है, ऐसे करके 40 डिग्री हिट कर रही है और फिर ये रिफ्रैक्ट होती है तो थोड़ा एंगल चेंज करेगी, फिर ऐसे करके रिबाउंड हो रही है। तो कह रहा है कि अगर 2 मीटर का ये फाइबर केबल है और इसकी डायमीटर अगर 20 माइक्रोमीटर है, तो कितने रिफ्लेक्शन के बाद ये बाहर निकला होगा। तो बहुत आसान सा मैंने फिगर ऑलरेडी बना रखा है। यहाँ पर हम लोग पहले सर्फेस पर स्नेल्स लॉ लगा लेते हैं। स्नेल्स लॉ लगाएंगे विच इज साइन आई इंटू एयर है तो 1 मान सकते हैं इसे, और फिर साइन थीटा 2 इंटू बाहर क्या है अपना, बाहर है अपना एंगल का साइन, बेसिकली मीडियम क्या है 1.31। तो साइन आई कितना है, साइन 40 है, साइन 40 कितना है 0.64 इज इक्वल टू साइन थीटा 2। तो जो साइन थीटा 2 आ रहा है वो ऑलमोस्ट हाफ आ रहा है, ऑलमोस्ट आ रहा है, बहुत ज़्यादा इक्वल नहीं, मतलब दूर नहीं है। तो थीटा 2 इज़ 30 डिग्री। अब देखो फ़ायदा क्या होता है, अगर हम यहाँ फायदे की बात करते हैं तो थीटा 2 पता चल चुका है, तो हमें ये लेंथ तो पता है और ये लेंथ पता चल जाएगा, ये बहुत छोटी लेंथ आएगी और ये टोटल कितनी है 2 मीटर है ना। ऐसे सोचो, ये तो बहुत बड़ा दिखा रखा है मैंने बट है बहुत छोटा सा। तो अगर हम एक्स निकाल पाएँ साइन थीटा 2 पता, तो उससे हम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में आइडिया सा लगा सकते हैं। देखो बहुत बड़े बड़े नंबर हैं ऑलरेडी, हमें पता है कि अप्रॉक्सीमेशन है, बहुत बड़े बड़े अप्रॉक्सीमेशन है। तो हम लोग क्या करते हैं, टैन थीटा ले लेते हैं यहाँ पर, टैन 30 इज इक्वल टू ये डायमीटर है तो डी अपॉन लेट्स जूम एक्स होगा, तो एक्स क्या आता है 20 माइक्रोमीटर, इज 20 × 21 − 6 मीटर इंटू टैन 30 1/√3, तो ऊपर चला जाएगा √3 एक्स आ जाएगा, ठीक है। ये एक्स बहुत छोटा आ रहा है अगर तुम ध्यान से देखोगे। अब अगर हमें पता है कि 22 मीटर तक जा रहा है, तो बीस वही लगा लेते हैं कि एन रिफ्लेक्शन मान लुआ है तो एन बार रिफ्लेक्ट होगा, जैसे एक बार इतनी दूर में हुआ फिर दूसरी बार तीसरी बार, तो ऐसे अप्रॉक्सीमेटली हम लिख सकते हैं। तो एन इंटू 20 × 10⁻⁶ इंटू √3 इज इक्वल्स टू 2 मीटर। ये सब कुछ मैंने SI यूनिट में डाल दिया, जब इसको सॉल्व करोगे तो इट कम्स आउट टू बी ऑलमोस्ट 57,000, बहुत बार रिफ्लेक्ट हुआ है अंदर। तो यही पूछा था कितनी बार रिफ्लेक्ट हुआ है, तो 57,000 ऑलमोस्ट आता है, दो दो तीन तीन चार चार हज़ार का गैप है, तो बड़ी आसानी से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा ही कॉन्सेप्ट है, बट ईजी सा ही, अगर आप बस कैलकुलेशन में आगे फंसाने की कोशिश किया था जो मुझे लग रहा था, तो कैलकुलेशन ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। मतलब करना है कैलकुलेशन, छोड़ना नहीं हमें। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा, TIR पर ही है। ओके देखो, ट्रांसपेरेंट क्यूब है जिसको मैं लिक्विड में डाल दिया, मैं समझा देता हूँ तुम्हें क्वेश्चन। तो कह रहा है कि और यहाँ पर देखो पॉइंट मार्किंग कर रखी, ये पॉइंट कौन सा अपना, ये है बी, ये है सी और ये है ई और ये है ए, और ये किसी रैंडम पॉइंट पे थीटा एंगल पर हिट कर रहा है। अब थीटा एंगल पर हिट करेगा तो यहाँ पे गया, अब कह रहा है यहाँ इस पर्टिकुलर थीटा के लिए कह रहा है कि कितने से ये थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि अंदर जाके TIR ही हो हर बार, अंदर जाके हर बार TIR ही हो। बहुत स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है और ये तो आई थिंक आप बहुत लोगों की क्लास में भी होता होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लो यहाँ पर जस्ट TIR हो रहा है, मान लो जस्ट TIR हो रहा है, तो हम जस्ट TIR वाला निकाले, तो साइन थीटा इंटू यहाँ, अब TIR हो रहा होगा तो ये एंगल कितना होगा, थीटा सी होगा, ये वाला एंगल कितना होगा भाई, ये होगा 90 − θc, ये तो समझ में आ रहा होगा सबको। तो इसको ले सकते हैं साइन थीटा इंटू बाहर का कितना है μ1 है और जो मटेरियल है उसका μ2 है, तो इसको ले सकते हैं μ1 इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन 90 − θc। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू μ2 cos theta c अपॉन μ1, तो या यू कैन से कि cos theta c इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू μ1 / μ2 आएगा, करेक्ट है ये बात। ओके सॉल्विंग पे आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर अगर हम आगे जाएंगे तो इस वाली सरफेस पे TIR की बात करते हैं, तो साइन थीटा सी ठीक है भाई, साइन थीटा सी इंटू μ2 इक्वल टू 1 × μ1, 1 क्यों, साइन 90 हो जाता है और μ1 दूसरे मीडियम में जो होगा, तो साइन थीटा सी जो होने वाला है वो हो जाएगा μ1 / μ2। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। इसको स्क्वायर करके ऐड करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, जो थीटा आएगा वो आएगा साइन इनवर्स √μ2² / μ1² − 1। अब ये इस पर्टिकुलर थीटा पे TIR शो कर रहा है। अब देखो मैं छोटी सी बात बताता हूँ, अगर इस पर्टिकुलर थीटा पे TIR शो कर रहा है तो देखो ये एंगल है आपका, अगर इस एंगल को छोटा करेंगे तो ये एंगल भी छोटा होगा, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, तो ये एंगल छोटा होगा तो ये बढ़ेगा, तो इसका मतलब अगर इसको छोटा करने पे ये बढ़ रहा है और तो TIR हो रहा है, इसे बड़ा रखने पे TIR नहीं होगा, क्योंकि इसे बड़ा रखने पे ये वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी और छोटी होगी तो फिर तुम्हारा
ये सॉरी ये वाली अगर इसको बड़ा करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ये वाली वैल्यू छोटी होगी तो फिर टी आई है। तुम्हें बड़े एंगल उससे बड़ा एंगल चाहिए, उससे छोटा नहीं चाहिए। थीटा सी से इस एंगल से छोटा रखोगे तो सारे जो थीटा सी आएंगे, थीटा सी जो निकाला हमने उससे बड़ा आएगा हर बार। तो इस बात को प्लीज़ ध्यान रखना, जो ये आएगा इसे छोटा होना चाहिए। तो ये थीटा मस्ट बी लेस देन साइन इनवर्स रूट ओवर म्यू टू स्क्वायर बाई म्यू वन स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, है ना भाई। तो ये आसान सी बात है, बी ऑप्शन आ जाएगा, बहुत आसान सी बात है। कॉमन सेंस पे जाओगे हो जाएगा, क्लास में भी ऐसे ही कराया गया होगा आई एम श्योर आपकी, ठीक है। एक और छोटा क्वेश्चन लेते हैं, ऑल राइट। तो बेसिकली ये रिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। द आई कैन बी रिगार्डेड एज अ सिंगल रिफ्रैक्टिंग सर्फेस, द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द सर्फेस इज इक्वल टू द कॉर्निया 7.8 mm, दिस सर्फेस सेपरेट्स टू मीडिया ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस इंडिसेस 1 एंड 1.34, कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द रिफ्रैक्टिंग सर्फेस एट विच अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट विल कम टू द फोकस। तो मतलब बेसिकली एक ऐसी सर्फेस ले लेते हैं। अब इस सर्फेस अगर हमने ले लिया है तो यहाँ पर एक हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बना सकते हैं, यहाँ पर अगर कोई रे आ रही पैरेलल तो मेरा कहाँ फोकस करेगी, बस आसान सी बात है। तो हम अब रिफ्रैक्शन हो रहा है ऐसा बोला है उसने, बोला है तो हम फॉलो कर लेते हैं सीधा, रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगेगा कैसा क्या होगा भाई, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई यू, वैल्यू रख देते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो इन्फिनिटी से आ रहा है बोला, इन्फिनिटी से आ रहा है ना, तो इन्फिनिटी से आ रहा है तो ये यू क्या होने वाला है, इन्फिनिटी होने वाला, तो ये कट जाएगा। म्यू टू कितना है इसका, कितना 1.34 है, तो ये हो जाएगा 1. ये रिफ्रैक्टेड रेज लाई करे अपॉन वी, वी नहीं पता तो उसकी चिंता नहीं करेंगे। यहाँ 1.34 माइनस ये आर होगा भाई, ध्यान रखना इस बात को। तो ये म्यू वन कितना होगा, 1/r क्या लेंगे, यहाँ से डिस्टेंस मेजर करनी और यहाँ से जो आर की डिस्टेंस आएगी जहाँ भी आर होगा तो वो आर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है। तो आर कितना हो जाएगा प्लस 7.8 mm, तो 10^-1 से मल्टीप्लाई कर देते सेंटीमीटर में जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो वी इज़ गोइंग टू बी 3.1 सेंटीमीटर। टाइम नहीं है तो वरना सॉल्व करके दिखाता हूँ तुम्हें, है ना, थोड़ा और भी टॉपिक हमें कवर करने हैं। तो ये 3.1 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बड़ी आसानी से रिफ्रैक्शन एक क्वेश्चन मैंने उसका भी ले लिया है। अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ पर लेंस का भी, लेंस करते हैं इसको, सिमिलर सा ही क्वेश्चन है, बाद में देख लेंगे इसको। तो लेंस का आगे देखते हैं, अभी पहले प्रिज्म कर लेते हैं फिर लेंस के क्वेश्चन पर आ जाएंगे, ठीक है। तो प्रिज्म की बात करते हैं, ये भी रिफ्रैक्शन का ही फिनोमिना है, रिफ्रैक्शन में ही ऐसी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली फंडा क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो देखो यहाँ पर जल्दी फटाफट मैं बता देता हूँ, ये है तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये है तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंट, फिर यहाँ से डिविएट हुआ, फिर यहाँ से डिविएट हुआ, तो ये एक्चुअली ऐसे जाना था और फिर ये ऐसे जाना था। देखो कितना डिविएट हुआ, डेल्टा वन डेल्टा टू। तो प्रिज्म में मोस्टली डिविएशन के बारे में बात करता है। तो पहले डिविएशन, पहले सर्फेस से डिविएशन कितना है, आई माइनस आर वन, पहले बता चुका हूँ आई माइनस आर वन क्लॉक वाइज है, डिविएशन फ्रॉम द सर्फेस टू दैट इज आई ई माइनस आर टू, आई का एंगल ऑफ इंसिडेंट और ई का एंगल ऑफ इमर्जेंस। और अगर दोनों क्लॉकवाइज हुए हैं तो हम दोनों को सीधा सीधा ऐड कर सकते हैं, तो दैट इज टू डिविएशन, मतलब दोनों सर्फेस का टोटल डिविएशन बोल सकते हैं। और जो डिविएशन आएगा वो आएगा डी इक्वल्स टू आई प्लस ई माइनस आर वन, मतलब ब्रैकेट में कर लेते हैं आर वन प्लस आर टू। और हम ज्योमेट्री से देखेंगे तो आर वन प्लस आर टू याद भी रख सकते हैं, आर वन प्लस आर टू क्या आएगा, ए के बराबर आएगा, उसकी वैल्यू रखेंगे तो डिविएशन जो आएगा वो आई प्लस ई माइनस ए आएगा। तो डिविएशन का ही सारा गेम है। अब वो डिविएशन पूछता है, डिविएशन के लिए बहुत सारी कंडीशन पूछता, तो हमने क्या किया था, डिविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंट का ग्राफ बना लिया। भैया डिविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंट का ग्राफ बना, तो स्टैंडर्ड से ग्राफ ऐसा बना, हमें देखा एक डिविएशन दो एंगल पर हो रहा था, एक्चुअली वो दो एंगल कौन से थे, एक एंगल ऑफ इंसिडेंट था और एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंस दोनों पे ही, जैसे यहाँ पे मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो भी है और इसी पे इमर्जेंट हो रहा, तो इसी पे अगर हिट कराएंगे वापस तो सेम डिविएशन मिलता है, ये इंटरेस्टिंग है। तो वो दो एंगल क्या होता है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट पे हिट करते तो डी मिलेगा, और अगर ई जो उसी केस में ई आया होगा उसी पर अगर हिट कराते फिर से हमें डी आने वाला है। तो और तो फिर हमने क्या देखा, हमने इसका ये एक्सपेरिमेंटर का भी, इस बात को ध्यान रखेंगे, हमने एक्सपेरिमेंटली बनाया था, सारी वैल्यूज को निकाला, प्लॉट कर दिया और एक्सपेरिमेंटली निकाल दिया। तो हमें जो ऑब्जर्व हुआ था वो इंटरेस्टिंग से, तो यहाँ देखो डी मिनिमम आ रहा है, डी मिनिमम कहाँ आ रहा था, जहाँ पर देखो अब यहाँ दो एंगल होने चाहिए, इसका मतलब अगर यहाँ दो एंगल है इसका मतलब ओवरलैपिंग होगी तभी दो एंगल हो सकते हैं, तो वो क्या होगा आई इक्वल्स टू ई। तो यहाँ पर डी मिनिमम कहाँ था, कंडीशन फॉर मिनिमम डिविएशन हमेशा याद रखेंगे आई इक्वस टू ई के लिए होता है। अच्छा यहाँ पर आई इक्वस टू ई होगा तो आर वन प्लस आर टू इक्वस टू ई होगा, सारी चीज़ें प्रूफ नहीं कर सकता, वरना ये होता तो सारा ही प्रूफ है भाई, लेकिन अब सारा कर नहीं सकते यहाँ पर, तो याद रख लेंगे बेटर रहेगा। तो आई प्लस ई पर मिनिमम डिविएशन होगा, आर वन प्लस आर टू इक्वस टू ए हो जाएगा। तो आर वन इक्वस टू आर टू भी होता है मिनिमम डिविएशन, दो कंडीशन होती है, एक आई इक्वस टू ई होता है एंड आर वन इक्वस टू आर टू होता है, इम्प्लाइज दैट ए हो जाएगा, ए बाई टू हो जाएगा, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आर वन इक्वस टू आर टू ये मिनिमम के लिए होता है
है ना, तो ये भी याद रख सकते हैं आप। मिनिमम को हम लोग यहाँ पर डाल के देखो, हमने कुछ फॉर्मूला डेराइव कर रखा है, ये भी याद कर सकते हैं, एक बार गो थ्रू कर लेना स्लाइड को बहुत अच्छे से और याद कर जाना। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट मार्क करता हूँ। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए यूज़ होता है, जो मैंने अगले पेज में कर भी रखा है, और ये मिनिमम डेविएशन हो गया। ठीक है, अब देखो स्नेल्स लॉ से मैंने यहाँ पर म्यू निकालना सिखाया आपको, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी फ़िलहाल याद कर लो कि म्यू ऑफ दी जो ग्लास होगा, ग्लास होगा है ना, ग्लास होगा, वो ग्लास का म्यू निकल जाता है वही मिनिमम के लिए। मिनिमम पे अगर हमें पता चलता है तो हम लोग मिनिमम के केस में ही उसको फॉर्मूले स्नेल्स लॉ में डाल के पहले सरफेस में डालकर हम लोग निकाल लेते हैं। इसको याद रख पाओगे तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, तो प्लीज़ इस बात को याद रखना, मैं मार्क कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज़, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको याद रख लोगे तो इसका क्वेश्चन अभी इसमें है नहीं, मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रहते तो सॉल्व नहीं होते। फॉर मैक्सिमम डिवीशन की कंडीशन याद कर लेते हैं, दैट इज़ आई इक्वल टू 90 या इक्वल टू 90, दोनों अलग एक साथ नहीं, एक बार या आई को 90 कर दो, वो सेम ही बात है तुम्हें पता है। तो आई इक्वल टू 90 पे भी मैक्सिमम डिवीशन होगा। दो चीज़ याद रखें, मिनिमम और मैक्सिमम, दो डिवीशन याद रखेंगे। और एक स्मॉल एंगल प्रिज्म आता है, जो सेम चीज़ हम लोग डेराइव करते हैं। अगर स्मॉल एंगल प्रिज्म की बात करें, स्मॉल एंगल प्रिज्म मतलब ए स्मॉल होता है और आई और आर भी स्मॉल होता है। अगर आई और आर भी स्मॉल है तो जो तुम्हारा डिविएशन होता है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ सॉल्यूशन दे रखा है मैंने, तो जो डिविएशन होता है ये याद रखना है। क्या याद रखना भाई, कि जो डिविएशन आएगा वो तुम्हारा क्या आएगा भाई, डिविएशन जो आएगा वो आएगा डिविएशन इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस वन। अच्छा, ये स्मॉल एंगल है तो यहाँ पर हर बार छोटे एंगल में, ये बात ध्यान रखना, हर बार अलग अलग नहीं आता, उसमें हर बार सेम वैल्यू आती है, कि जो डिविएशन होगा वो हर बार सेम ही आनी है, अलग नहीं आएगी। प्लीज़ इस बात को ध्यान रखना, डिविएशन हर बार सेम ही आएगी, अलग अलग नहीं आती है स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए। लेकिन अगर बड़े एंगल वाला प्रिज्म है तो उसमें हर बार अलग आ सकती है। तो ये तीन चार चीज़ें जो हमने मार्क की, प्लीज़ याद होना चाहिए आपको, है ना, कि कंडीशन क्या है आपको याद होना चाहिए, है ना, वरना फिर गड़बड़ होगा। अब जैसे यहाँ पर देखो, याद कर लोगे तो बेस्ट रहता है। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं, अगर ये सारी डेटा में याद हो चुका है तो इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं। अ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज इंसिडेंट एट अ सर्टेन एंगल ऑन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, प्रिज्म सफर्स अ मिनिमम डिविएशन। अच्छा, मिनिमम डिविएशन सफर कर रहा है और यहाँ पर म्यू दे रखा है, सब कुछ दे ही रखा है, तो बहुत आसान सी बात है। अगर मिनिमम डिविएशन कंडीशन का आई इक्वस टू, देखो कंडीशन क्या होगी, आई इक्वस टू क्या होगा, ई होगा, एंड आर वन इक्वस टू आर टू इज इक्वस टू ए बाई टू हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हमें ये पता है तो कह रहा है आई बताओ, अगर मिनिमम डिविएशन सफर कर रहा तो आई कितना होगा, तो मिनिमम डिविएशन कर रहा तो भाई चलो आई निकाल लेते हैं। साइन आई इंटू एयर में वन हुआ और यहाँ पर आर हो जाएगा, कुछ आर वन हो जाएगा, तो साइन आर वन इंटू आर साइन आर वन, ठीक है, इंटू रूट थ्री। ये मैंने स्नेल्स लॉ यहाँ पर अप्लाई कर दिया ना, फटाफट कर लेते हैं इसको। तो साइन आई निकालना है अपन को, जी बिल्कुल ठीक है। तो साइन आर वन कितना होगा, अब देखो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला था, तो जो ए आएगा वो 60 डिग्री आ रहा है, ए क्या आ रहा तुम्हारा 60 डिग्री, तो ए बाई टू क्या आएगा, विच इज आर वन इक्वल टू आर टू, तो ये हो जाएगा साइन 30 इंटू रूट थ्री ना, बिल्कुल आसान। अगर चीज़ें याद है तो बड़ा फटाफट जाता है। यहाँ पर देखो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, आई टी केस में फिर भी फंसा सकता है, एडवांस केस में, लेकिन मेंस मेंस में नहीं फंसाता इतना ज़्यादा खास। इक्का दुक्का आएगा उसको छोड़ दो, गलत भी होगा तो कोई बात नहीं, 25 क्वेश्चन होते हैं, 20 सही कर दो भाई। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू रूट थ्री, तो ये साइन आई हो जाएगा और ये आई इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। आई अगर 60 है तो ई भी 60 होगा, इस बात को प्लीज़ याद रखें, क्योंकि ये पता हमें मिनिमम डिविएशन सफर कर रहा है। तो यहाँ पर फिलहाल आई की बात करते हैं, विच इज 60 डिग्री। देखो कितना फटाफट होगा, 19 में आया था लास्ट ईयर ये। ओके, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, एक रिलेशन होता है एक्चुअल में। अभी तक तुमने अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ध्यान दिया होगा तो मैंने वहाँ लिखा था मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब अभी तक सिर्फ सिंगल कलर यूज़ कर रहे थे। एक्चुअल में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है वो तुम्हारा लेमडा पे डिपेंड करता है, लेमडा के हिसाब से डिफाइंड होता है। और कैसे रिलेशन होता है म्यू, ये मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके बताया आपको, सब बहुत कॉम्प्लेक्स रिलेशन होता है, बट अब कम से कम ये तो पता चल जाएगा किसके बढ़ने से क्या घटता बढ़ता है, ये आइडिया लग जाता है। बस यहाँ पे इसको बस ऐसे रिलेशन के तौर पे याद रख लेते हैं, इसको डायरेक्टली रिलेशन को लिखेंगे नहीं कहीं पे, बस समझने के लिए कि म्यू बढ़ाओगे तो लेमडा के साथ क्या होगा, लेमडा बढ़ाएंगे तो म्यू घटेगा, है ना, अगर लेमडा घटाएंगे तो म्यू बढ़ेगा, ऐसे करके सोच सकते हैं। तो कह रहा है कि वेरिएशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर क्वेश्चन इसमें मैं बता दूँ तो थिन प्रिज्म में कह रहा है कि थिन प्रिज्म में डिविएशन और लेमडा का रिलेशन बताओ। अब डिविएशन लेमडा का रिलेशन तो पता नहीं होता, लेकिन डिविएशन और म्यू का रिलेशन पता होता, तो क्या होता है ए इंटू म्यू माइनस वन, और म्यू क्या होता है इन्वर्स रिलेशन होता है। इन्वर्स रिलेशन है तो बहुत क्लियर सा आइडिया, इन्वर्स रिलेशन का ये वाला आंसर होगा सीधा सीधा, है ना भाई, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। तो बिल्कुल स्टैंडर्ड सी चीज़ें होती हैं यहाँ पर, कुछ खास डिफिकल्ट चीज़ नहीं करनी है। तो आगे बढ़ते हैं, लेंसेज जो कि लास्ट टॉपिक, इसमें तीन वही सेम तीन टॉपिक है, हाँ ये फटाफट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखें कि थिन लेंस की बात करेंगे, मतलब इसकी थिकनेस क्या होगी, अगर डी थिकनेस है तो ये जीरो होगी, डी थिकनेस है तो ये जीरो होनी चाहिए थिन लेंसेज के लिए। जो ये फॉर्मूला मैं डेराइव करूँगा फिर से सेम, यहाँ पर एक और पैरामीटर आ जाएगा,
कि थिन लेंसेज के लिए डराइव करेंगे, थिक लेंसेज के लिए हमें कोई फॉर्मूला भी नहीं पता, उसे अलग से हमें डराइव करना होगा, और मेंस में आता भी नहीं एडवांस के लिए है वो। तो यहाँ पर दो टाइप के मेजर लेंसेज होंगे, चाहे जो मतलब किसी भी लेंस को हम लोग दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। तुम लोग बाई कॉन्वेक्स समझते हो ना, बाई कॉन्वेक्स तुम्हें लगता है बाई कॉन्वेक्स होता है और बाई कॉन्केव, ये बहुत सारे टाइप नहीं, सारे लेंसेज दो तरीके होते हैं, या तो कन्वर्जिंग होगा या तो डाइवर्जिंग होगा। अच्छा, जिसका फोकल लेंथ, उसमें फोकल लेंथ होता है, प्राइमरी फोकल लेंथ होता है, सेकेंडरी फोकल लेंथ होता है, ये प्राइमरी फोकल लेंथ है और सेकेंडरी होगा। सेम यहाँ पर ये वाला प्राइमरी होगा, जहाँ एक्चुअल लाइट रे जो एक्चुअल डिफ्रेंशन को फॉलो करता है उसे प्राइमरी बोलते हैं, और जो उसके अपोजिट होता है उसको सेकेंडरी फोकल लेंथ बोलते हैं। तो अगर आपका फोकल लेंथ पॉजिटिव आता है, प्राइमरी फोकल लेंथ पॉजिटिव आता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग, और अगर प्राइमरी फोकल लेंथ नेगेटिव आता है उसे हम लोग बोलते हैं डाइवर्जिंग। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे वाला, अगर ऐसे करके भी कोई लेंस है, ऐसा करके भी कोई लेंस है और मान लो इसका एफ नेगेटिव आ गया तो ये डाइवर्जिंग हो जाएगा, मान लो आ गया तो समहाउ वैल्यू चूज कर लो और ऐसा कुछ आ गया तो ये आपका डाइवर्जिंग हो जाएगा। तो बाई कॉन्वेक्स बाई कॉन्केव तो बस शेप के हिसाब से हमने डिफाइन कर दिया, लेकिन एक्चुअली जो मेजर क्लासिफिकेशन है वो कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग के बेसिस पे है। हाँ, वो शेप से भी कई बार नाम लेता है तो आप समझ जाओगे शेप के नाम पे। तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जो आपको समझना है। एक लेंस में का फॉर्मूला होता है, किसी भी लेंस का जो फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है वो 1/f इक्वल्स टू म्यू बाई म्यू। क्या होता है म्यू? क्या होता है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, लेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्लीज़ जो मटेरियल लेंस का उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इस बात को प्लीज़ ध्यान रखेंगे। और म्यू नॉट क्या होता है? सराउंडिंग का, सराउंडिंग जिस मीडियम में है, मीडियम क्या बोल सकते हैं, जिस मीडियम में है ना, लेंस जिस मीडियम में रखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। यहाँ मोस्टली एयर होता है, कई बार अलग मीडियम रखता है तो उसकी वैल्यू डाल देंगे, और उसी मीडियम के रिस्पेक्ट में ही आपका फोकल लेंथ आता है। जैसे यहाँ पर एयर के रिस्पेक्ट हम लोग डिफाइन करेंगे, किसी और मीडियम के रिस्पेक्ट में जो फोकल लेंथ होता है, मीडियम किस मीडियम में रखा है लेंस उस पर डिपेंड करता है। सेम ही लेंस का एक मीडियम में और दूसरे मीडियम में अलग अलग फोकल लेंथ हो सकता है, इस पर क्वेश्चन भी लिया। तो ये सारे फॉर्मूले अगेन, यहाँ पर पोल की जगह पर मैं पहले ही बता चुका हूँ, पोल की जगह पर ऑप्टिकल सेंटर होता है, बाकी सब कुछ सिमिलर है, साइन कन्वेंशन वगैरह सब कुछ सेम है, बस आपका लेंस मेकर फॉर्मूला फोकल लेंथ निकालने का जाता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है लेंस इक्वेशन होती है, लेंस इक्वेशन 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, और मैग्नीफिकेशन ऑफ द इमेज जो होता है वो प्लस वी बाई होता है, बाकी तो आई बाई होता ही है। तो तीन आपके पास आगे मैग्निफिकेशन, ये तीनों ही याद रखें, आपको तीनों ही काम आएंगे डायरेक्टली। तो फॉर्मूले बड़े ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे, है ना। ये अब याद तो रखना पड़ेगा क्योंकि एक बार प्लस माइनस में कन्फ्यूजन होता है, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है ना। तो ये तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, है ना। ये तीनों ही फॉर्मूले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसके लिए मार्क भी कर दे रहा हूँ कि आपको याद रहे, है ना भाई। तो याद रहेगा तो बेटर है, ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मैं इसमें बोर्ड में डाल, ये तो आपके मतलब होना ही चाहिए, आपको याद नहीं रहेगा तो भाई क्राइम कर दिया आपने। अब दूसरा आता है कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज में क्या होता है कि हम थिन लेंसेज को बहुत पास मिला के ऐसे सटा के रखते हैं, दूर रख देंगे तो नहीं होगा, अगर सटा के रख दिया तो ओवरऑल कितना उसका फोकल लेंथ होगा वो कैसे निकालते हैं, दिख ही रहा है आपको, मैंने लिख रखा 1/FE इक्वल्स टू 1/F1 प्लस 1/F2 प्लस। अब जब इस फॉर्मूले में रखोगे फिर से साइन के साथ ही रखना, और थिन लेंसेज होने चाहिए, अगर थिक लेंस आए तो मत रखना इस फॉर्मूले में, ठीक है, थिन लेंसेज पे। तो ओवरऑल ये एक लेंस की तरह बिहेव करेगा, और अगर उस लेंथ का हमें ओवरऑल पावर या किसी भी लेंस का पावर निकालना है तो क्या होता है, जो पावर होता है वो 1/FE होता है, अगर उसे हमने मीटर में लिख दिया तो उसका आंसर डायोप्टर में आता है, ये तो याद ही होगा, एनसीईआरटी का स्टैंडर्ड सी चीज़ है। अच्छा, पहले टाइप का कॉम्बिनेशन ये हो गया। दूसरे टाइप का कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसमें क्या होता है कि हम लेंस और मिरर के साथ उसका कॉम्बिनेशन लेते हैं, फिर से सेम वही कि थिन लेंसेज बिना गैप का सेम मीडियम। अच्छा, एक चीज़ मैंने यहाँ लिखा, वैलिड फॉर द सेम मीडियम, किसी और मीडियम में रहेगा तो फिर नहीं इसको डील कर सकता है, फिर उसको हमें अलग तरीके से डील करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस बात को प्लीज़ ध्यान रखेंगे कि अगर सेम मीडियम में तभी हम एफ इक्विवेलेंट लिखेंगे, सारा एयर में होना चाहिए, सारा किसी और मीडियम, और जिस मीडियम में होगा उसी मीडियम के रिस्पेक्ट में हमारा फोकल लेंथ आएगा। तो 1/ अब देखो यहाँ पर मिरर और अगर लेंस का कॉम्बिनेशन होगा तो अल्टीमेटली मिरर लेंस कॉम्बिनेशन में जो कॉम्बिनेशन होता है हमेशा मिरर की तरह बिहेव करता है, बिहेव्स लाइक अ मिरर, इस बात को प्लीज़ ध्यान रखना, बिहेव्स लाइक अ मिरर, ठीक है। अब उसमें क्या होता है, जो एफ इक्विवेलेंट आता है 1/FE इक्विवेलेंट, इसलिए मैंने यहाँ एम सब्सक्रिप्ट डाल दिया, -2 1/F1 प्लस 1/F2 जितने भी होंगे कर लो, प्लस 1/FM, एक मिरर से हम लोग यहाँ यूज़ नहीं करते, दो मिरर में बहुत सिचुएशन हो जाएगी इसलिए दो मिरर नहीं यूज़ करेंगे, एक मिरर के लिए होता है, एक मिरर और बाकी सारे लेंसेज, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप लोग याद रख सकते हो, ये फॉर्मूले भी मतलब ये तो आई थिंक याद होने, ये तो याद ही हो जाता है आसानी से, ये याद करने के लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, है ना, ये याद करने के लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है ये, इसके लिए आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। साइन के साथ याद रखोगे तो फायदे में रहोगे, है ना, अगर साइन नहीं याद रखोगे तो फंस जाओगे आप लोग, तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखना, साइन के साथ हमें याद रखना है। आ जाओ भाई क्वेश्चन करते हैं, फटाफट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है, अब कह रहा है कि यहाँ पर लेंस था, अगर जो भी लेंस था हवा में रखा था तो जो इसका फोकल लेंथ था, जो स्क्रीन पे इमेज बन रही थी, ठीक है,
स्क्रीन पे इमेज बन रही थी। अब कह रहा है कि अगर मैं इस पूरे सेटअप को पानी में डाल दूँ तो इमेज कहाँ बनेगी, या बनेगी नहीं बनेगी, जो ऑप्शन है उसके हिसाब से टिक करना है। तो एक्चुअली फंडा कहता है अगर हम इसको इसका फोकल लेंथ निकालेंगे क्या होगा, वन अपॉन लेंस में अगर फॉर्मूला जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू एयर तो हो जाएगा म्यू लेंस अपॉन, यहाँ पर एयर था तो म्यू एयर लिख देते हैं, ठीक है, और माइनस वन। अब यहाँ पर रेडियसेस को भी लिखते हैं, वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू। हालांकि देखो अब रेडियसेस चेंज हो तो हम लोग साइन वन की चिंता नहीं करते, ये तुम्हारा एयर में आ गया, फिर हम लोग क्या करते हैं इसको लिक्विड में डाल दिया तो लिक्विड में डाल दिया, वाटर लिख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ म्यू लेंस अपॉन म्यू वाटर, वैल्यूज़ तो देखो जी हमें पता ही होती हैं, वन अपॉन आर वन। अब देखो साइन की जरूरत पड़ेगी, हमें वैल्यू निकालना पड़ेगा वरना दोनों सेम होगा। तो म्यू लेंस होता है 1.5 और म्यू वाटर होता है 4/3। इसकी वैल्यू जब हम डालते हैं तो एफ वाटर कमिंग आउट टू बी लेस देन एफ एयर के केस में, है ना, अगर कम हो रहा है तो एक्चुअल में जो रेज होंगी, देखो ये जो रे होगी ये पहले कहीं कन्वर्ज कर रही होगी तो पहले कहीं हिट करेगी। मैं अच्छे से बना देता हूँ, देखो ये ऐसे करके यहाँ पे कहीं पे कट कर रही होगी, अगर पहले कट कर रही होगी, पहले कट कर रही होगी तो एक्चुअल में इमेज बनी नहीं सकती क्योंकि छोटा आ गया ना, अगर छोटा फोकल लेंथ आ गया तो पहले कहीं हिट करेगी, तो एक्चुअली लेंस मेकर का ही यूज़ कर लिया गया है। अगर पहले हिट करिए तो डेफिनेटली पक्की बात है कि अगर किसी इमेज रियल इमेज को आप स्क्रीन पर ऑप्टेन करना चाहते हो तो स्क्रीन पर हिट कराओ भाई, ऐसे हवा में नहीं बना सकते इमेज, ठीक है। तो अगर किसी भी रियल इमेज को ऑप्टेन करना चाहते हो स्क्रीन पर तो इमेज, तो ये पहले बन रही होगी इमेज, तो इसका मतलब इमेज डिसअपीयर, मतलब जो लोकेशन ऑफ इमेज होगी दैट इज बिफोर दी, मतलब वो पहले ही बन रहा होगा तो इसका मतलब वो इमेज डिसअपीयर हो जाएगी जो स्क्रीन से होगी। आई होप आसान सी बात होगी, ये तो समझ में आई रहेगी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पर फोकल लेंथ निकलवाई सिचुएशन के लिए, इस सिचुएशन के लिए एक क्वेश्चन ऐसा ही ऊपर भी था, वो सेम ही क्वेश्चन था। तो ये क्या है, इसमें देखो दो लेंसेज है, कौन सा है भाई, ये एक लेंस और एक ये लेंस है, है ना, हालांकि स्क्वायर स्लैब अलग अलग लेकिन दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, तो यहाँ रिफ्रैक्शन की वजह से एक लेंस बन चुका है। तो कैसे बनाएंगे, तो एक पहले म्यू वन वाले का बना लेते हैं, तो वन बाई एफ वन इज इक्वल्स टू म्यू वन अपॉन एयर, इस ऐसे सेटअप को हम लोग हमेशा एयर में मान लेते हैं, थिकनेस नहीं मानते ऐसी सिचुएशन, ये थिकनेस दिखा रखा है पर थिकनेस मानते नहीं, वरना ये फॉर्मूला ही नहीं अप्लाई कर पाएंगे। तो म्यू एयर विच इज़ वन माइनस वन और रेडियस क्या होगा, वन बाई, देखो इधर से जा रहा है ना, तो पहले अपन ध्यान से देखेंगे, तो ये पहले नेगेटिव होगा तो ये पहला इन्फिनिटी हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा, माइनस होगा और माइनस माइनस प्लस वन बाई आर हो जाएगा, ठीक है ना भाई, साइन का देख लेना तुम लोग। तो वन बाई एफ टू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस वन, अब ये हो जाएगा माइनस वन बाई आर और ये हो जाएगा वन बाई इन्फिनिटी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो अगर एफ इक्विवेलेंट निकालेंगे इस दोनों सेटअप का, वन इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वन बाई एफ वन प्लस वन बाई एफ टू, इन दोनों को ऐड करके सॉल्व भी करना है तो जो एफ ई आएगा ना अपना वो आ जाएगा आर अपॉन, सॉल्व कर लेना भाई पक्के से आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये बहुत आसान सी बात है, फटाफट हो जाता है, और साइन कन्वेंशन को नहीं यूज़ करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, साइन कन्वेंशन को यूज़ करना है, आपका ये आंसर फोर्थ वाला बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाला, ऐसे बहुत सारे मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, फटाफट इसको कर लेते हैं, है ना, ताकि हम एक दो थोड़े से कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन ले पाएं। यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, इसको आप लोग खुद से ट्राई करना एक बार बिना देखे, और फिर मैं इसका सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा, ठीक है, ओके। अब जैसे देखो एक ये देखो सब ये अभी रिसेंटली आया था, कितना आसान सा, पॉइंट ऑब्जेक्ट इज इन द एयर इन द फ्रंट ऑफ द कर्व सर्फेस ऑफ प्लेन ओ कॉन्वेक्स, प्लेन ओ कॉन्वेक्स, प्लेन एंड देन कॉन्वेक्स, ये लो प्लेन ओ कॉन्वेक्स हो गया, है ना। अब यहाँ पर कहीं एयर पे है, ऐसे मान लो एयर ये यहाँ पर, अब कर रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द ईस्ट सर्फेस क्या है आपका, 30 सेंटीमीटर है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5 है, कर फोकल लेंथ बता, अरे वाह कितना आसान क्वेश्चन, 1 अपॉन एफ इक्वल्स टू म्यू कितना होगा 1.5, एयर में है 1 माइनस 1 इंटू अब रेडियस, तो ये 1 बाई इन्फिनिटी और यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव कितना है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव विच इज 30, सॉल्व करेंगे तो जो एफ आएगा वो आएगा 60 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना भाई, 60 सेंटीमीटर, तो जो आंसर आएगा 60 सेंटीमीटर। लो फटाफट होता जा रहा, वी नीड टू मेक श्योर कि हाँ रेडियसेस के भी साइन कन्वेंशन ध्यान रखने पड़ेंगे। अगर जैसे आपने इधर से रे मानी है तो इधर इस वाले को नेगेटिव, अच्छा अब फोकल लेंथ निकालने के लिए आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, चाहे लेफ्ट से रे मानो, चाहे लेफ्ट से मानो, चाहे राइट से मानो, दोनों ही केस में पॉजिटिव आएगा, आप चाहे वेरीफाई करके देख लेना, इसी वेरीफाई कर लेना, ठीक है, वेरीफाई कर लेना, आपको लग रहा है तो वेरीफाई कर लेना चाहिए आपको, आई एम श्योर वेरीफाई कर लेना चाहिए, 60 ही आंसर आएगा इसका, 60 ही आंसर आएगा, ठीक है, दोनों साइड से। तो आप फोकल लेंथ जब भी निकालने की बारी आएगी तो जिधर मर्जी उधर कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपकी। आगे बढ़ते हैं भाई, अब ये भी सेम है, मैं इसका मतलब वही सेम करा, एक एयर में निकाल लो, एक मीडियम में निकाल लो, कोई बात नहीं जी निकाल लेंगे, हैं तो तुम कर लेना इसको, मैंने डाल दिया क्योंकि कुछ 27-28 उसमें 17-18 ले लिए थे मैंने क्वेश्चन, तो सॉल्व कर लो। ये क्वेश्चन करते हैं, ये इंटरेस्टिंग, इसमें दो लेंस है जो दूरी पर, तो इसमें कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते, सबसे पहली बात समझना, इसमें कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते, इसमें ये इस रीजन में हम कॉम्बिनेशन नहीं ले सकते हैं, इसको कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसके बीच का सेपरेशन फाइनाइट है, तो हमें इंडिविजुअल जाना पड़ेगा। इंडिविजुअल कैसे जाएंगे, तो वही कि भाई पहले लेंस से रिफ्रैक्शन देखेंगे, लेंस से रिफ्रैक्शन देखते हैं, तो क्या होगा, वन बाई एफ वन विच इज़ हमें देखो पता है, वन बाई एफ इक्वल्स टू वन बाई वी माइनस वन बाई यू, याद रखेंगे, ठीक है, तो वन बाई एफ कितना, वन बाई प्लस फाइव
इक्वल्स टू 1/v कितना है निकालना है, और माइनस 1/ कितना प्लस 20 है, तो माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/5 माइनस 1/20, विच इज़ वी इज़ गोइंग टू बी 100/15 विच इज़ 20/3। तो वी सीधा हो जाएगा 20/3 प्लस, अच्छा ये देखेंगे 20/3 यहाँ से आ रहा तो यहाँ पे कहीं आके हिट कर रहा होगा, तो अगर तुम इसको ऐसे देखने की कोशिश करोगे तो कुछ ऐसे करके रे यहाँ आने की हिट करने की कोशिश कर रहा होगा, है ना। तो इसका मतलब वर्चुअल इमेज बन रही होगी फॉर लेंस टू। तो लेंस टू की बात करते हैं, लेंस वन हो गया, लेंस टू की बात कर देते हैं, ठीक है। तो लेंस टू की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर भी 1/f2 लिख लेते हैं, इक्वल टू 1/v- माइनस 1/u-। तो u- जो होगा वो एक्चुअल में यहाँ से आते की डिस्टेंस होगी, तो कितना है भाई 1/f2 विच इज़ गोइंग टू बी माइनस 1/5, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है डाइवर्जिंग लेंस है, और वी डैश निकालना है जी हमें, और माइनस ये कितना हो जाएगा 20/3 माइनस 2 हो जाएगा, इस बात को प्लीज़ ध्यान रखेंगे। तो ये उतना हो जाएगा 14/3 और प्लस होगा तो 1/14/3। सॉल्व करेंगे तो वी डैश इज गोइंग टू प्लस 70 सेंटीमीटर, इंटरेस्टिंग सी बात, प्लस 70 सेंटीमीटर आएगा और राइट की तरफ ही बनेगा, और रियल इमेज होगी क्योंकि एक्चुअल में इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ पे, राइट की तरफ बनता है इसमें एक्चुअल, तो ये वाला हो जाएगा फोर्थ वाला, ठीक है। तो ये तो समझ में आ रहा होगा, ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, ऐसे ही बस सॉल्व कर लो आप बेसिक, मतलब कैसे आप लेंस फॉर्मूला मिरर इक्वेशन को अप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन जो इसमें लेंस और मिरर कॉम्बिनेशन की बात किया हुआ है, अगर लेंस मिरर कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है तो एक लेंस मिरर कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, देख लेते हैं एक बार, ये लेंस मिरर कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो एक अपराइट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वर्जेंट लेंस, कन्वर्जेंट लेंस मतलब कन्वर्ज करने वाला लेंस ले लिया, ऐसे ले लिया, ये जरूरी नहीं कि यही वाला किसी भी शेप का हो सकता है। फोकल लेंथ कितना अपना 20 सेंटीमीटर, अ कन्वर्जेंट मिरर ऑफ लेंस, कन्वर्जेंट मतलब कॉनकेव मिरर, ठीक है, विच इज़ फोकल लेंथ कितना इसका 10 सेंटीमीटर, करेक्ट है, इसका फोकल लेंथ कितना है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ था मैंने, ठीक है। और यहाँ पर अपराइट रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ऐसे करके सोच लो 60, इन दोनों के बीच जो सेपरेशन है वो 60 सेंटीमीटर है। अब पूछ रहा है कि भाई बता दो कि फाइनल इमेज की लोकेशन क्या होगी, तो बहुत आसान सा, देखो अगर यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 सेंटीमीटर है, इसका फोकल लेंथ देखो ध्यान से कैसे फटाफट कैसे होता है, अब इसका फोकल लेंथ क्या है 20, तो अगर यहाँ 40 है तो अगर 2f पे इमेज रखोगे तो हमेशा 2f पे बनेगा, सॉल्व कर लो, याद भी कर सकते हो, 2f पे रखते हो तो 2f पे इमेज बनेगी राइट की तरफ, ठीक है। तो 2f पे लेफ्ट की तरफ रखेंगे राइट की तरफ इमेज आएगी, मतलब यहाँ पर कुछ ऐसे करके ऐसे हो रहा होगा, ठीक है। अब अगर ये 2f इस यहाँ से देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ टोटल 60 है और ये कितना है 40 है, तो ये कितना हो जाएगा 20, और हमने ध्यान से कहा फोकल लेंथ था तो आर पे रखा, अगर आर पे रखते हैं तो इमेज हमेशा क्या बनती है आर पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बनती है, ये भी बताया था शुरुआत में, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे जाएगा और परपेंडिकुलर हिट करेगा और यहाँ इमेज बनेगा, फिर वापस से रिट्रेस कर जाएगा और यहीं पर ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब फाइनल इमेज यहीं होगी, कन्वर्जेंट इमेज 40 सेंटीमीटर जो फाइनल इमेज होगी 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वर्जेंट लेंस ही होगी, ठीक है। अब साइज की बात करेंगे तो सेम साइज का ही होगा, आप साइज का कैसे देखोगे, मान लो यहाँ पे देखते हैं तो ये प्लस वी बाई यू ले सकते हो यहाँ पर पहले वाले में, फिर ये होगा लेंस का, फिर मिरर का ले लेना वो जाएगा माइनस वी बाई यू लिख लेना, फिर एम वापस से लेंस का लिख लेना, फिर से प्लस वी बाई यू लिख लेना। तो अल्टीमेटली जब लिखोगे तो ये फाइनल के लिए जब देखते हो तो तीनों मल्टीप्लाई कर देते हो, तो जो फाइनल आएगा वो अपना आएगा माइनस वन ही आएगा, इसका मतलब इमेज जो होगी सेम साइज़ की होगी और इन्वर्टेड होगी, माइनस मतलब इन्वर्टेड होगी, तो यही होगा, यहाँ पर साइज़ के बारे में बात ही किया तो ये आंसर हो जाना है, इन्वर्टेड होगी और सेम साइज़ का होगा, है ना। तो इसमें तुम्हें सॉल्विंग ही नहीं कराई, देखो कितना फटाफट, अगर आपके दिमाग में छोटी छोटी बातें हैं तो आप इसको बिना सॉल्विंग के ही सॉल्व कर दोगे, मतलब सीधा 2f पे 2f पे इमेज बनेगी ऐसे करके चेक कर सकते हो, ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। द ग्राफ शोज हाउ मैग्निफिकेशन एम प्रोड्यूस्ड बाय अ थिन लेंस वेरीज विद द इमेज डिस्टेंस वी, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस यूज्ड। तो अब देखो यहाँ पर फोकल लेंथ निकालना है जिसमें ये एम और ए कुछ वेरिएशन वी के साथ दिया हुआ है, तो फंडा क्या है, लेंस की बात करें तो 1/f = 1/v सीधा लगाओ भाई और इसको कन्वर्ट कर दो एम और वी में कन्वर्ट, तो वी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वी मल्टीप्लाई कर देते ताकि वी में कन्वर्ट हो जाए, तो ये 1 - v/u आ जाएगा, और अगर हम वी बाई यू की बात करें तो ये एम हो जाएगा, एम इक्वल्स टू 1 - v/f हो जाएगा, और जो यहाँ स्लोप आएगा, क्योंकि देखो ये वाई एक्सिस है और वी है ऑन द एक्स एक्सिस, तो जो स्लोप होगा वो 1/f होगा, तो इसमें अगर ड्रॉ करेंगे तो ये स्लोप 1/f होगा, स्लोप एक्चुअल में क्या है टाइम थीटा होगा, एंड दैट इज c/b, दो फटाफट हो गया, तो ये हो जाएगा c/b, और उसके मॉडुलस की बात करें नेगेटिव है तो कोई बात नहीं, तो f इज गोइंग टू बी
बी बाई सी है ना, तो जो फोकल लेंथ होगा वो बी बाई सी होगा, ये बी बाई सी। तो देखो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ये अगर तुम ध्यान से समझोगे तो इक्वेशन को, एक क्वेश्चन है पहले भी कर चुका है, इक्वेशन को देखो सॉल्व करो और आंसर निकालो फटाफट, है ना। तो यहाँ पर भी ऐसे करके हो गया है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, फोकल लेंथ की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये भी सिमिलर सा क्वेश्चन इसका सोल्यूशन में डाल दूंगा, बट पहले खुद से ट्राई कर लेना भाई, ऐसे डायरेक्टली मत देखना। अच्छा यहाँ पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इसमें क्या है, थिन कॉन्वेक्स लेंस एल है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज प्लेस्ड ऑन द प्लेन मिरर एम, व्हेन अ पिन इज प्लेस्ड एट अ ए है ना, एक पिन यहाँ पे रखा गया है, तो सच दैट ओ इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर एंड इट्स रियल इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्मड एट ए इटसेल्फ। अगर ये ऐसा है तो देखो, पहले एक चीज़ मैं तुम्हें बता चुका हूँ, अगर लेंस और मिरर साथ में रखते हैं, चाहे जौन सा लेंस चाहे जौन सा मिरर हो, साथ में रखेंगे तो हमेशा मिरर की तरह ही बिहेव करता है, तो हम उसका फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। तो अगर फोकल लेंथ पता तो उसके डबल, मतलब उसके आर पर रख देंगे तो वहीं पर इमेज बनेगी, वो चाहे कॉम्बिनेशन हो चाहे सिंगल मिरर हो, दोनों ही केस के लिए वैलिड है। तो इस कॉम्बिनेशन के लिए हम सीधा देख सकते हैं, तो 1/f इक्विवेलेंट मिरर जैसा बात करेंगे तो -2, एक ही लेंस है तो f1 हो जाएगा, fL लिख लेते हैं, +1/fm आएगा, तो fm फ्लैट है तो ये जीरो हो जाएगा क्योंकि इन्फिनिटी रेडियस हो जाएगी, तो जो यहाँ पर 1/f ही आएगा लेफ्ट की तरफ है तो नेगेटिव होगा, विच इज़ 18 सेंटीमीटर इसका रेडियस होगा, पक्की बात है इसका रेडियस होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे, 18 सेंटीमीटर इस कॉम्बिनेशन का है ना। तो जो फोकल लेंथ होगा f इक्विवेलेंट होगा वो हो जाएगा -9 सेंटीमीटर, माइनस डालना पड़ेगा लेफ्ट की तरफ है, तो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा इक्वल्स टू -2/fL। तो fL जो होने वाला है वो क्या हो जाएगा, fL जो होने वाला है वो 18 + 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, कन्वर्जिंग लेंस है ये, दिख भी रहा है, कन्वर्जिंग लेंस बना रखा है। ये पहली सिचुएशन हो गई। अब दूसरी सिचुएशन क्या होगी इस बात को समझेंगे। कह रहा है कि दूसरे सिचुएशन में यहाँ पर देखो, मैंने दूसरी सिचुएशन के लिए ड्रॉ ऑलरेडी बना रखा है फिगर। यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि थोड़ा सा ऑलरेडी यहाँ पर वो डाल दिया, लिक्विड डाल दिया, कुछ वाटर डाल दिया, ऐसे करके वाटर डाल दिया। अब वाटर डाल दिया तो देखो एक्चुअल में यहाँ पर अगर वाटर ले तो वाटर, अब देखो यहाँ पर बीच में हमेशा एयर गैप तो हमेशा मान सकते हैं बाय डिफॉल्ट, तो एक लेंस तो है ही अपने पास, fL तो है ही है, इस बात को प्लीज़ ध्यान रखेंगे, fL तो है ही अपने पास। अब यहाँ पर ये मिट गया, इसको वापस से बना लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ये यहाँ पर है एक वाटर का लेंस बन जाता है, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना ये वाटर लेंस एक्चुअल में, तो ये f वाटर हो जाएगा। और फ्लैट सर्फेस है तो मिरर तो है ही है, तो जो यहाँ पर कॉम्बिनेशन आएगा वो आएगा 1/f इक्विवेलेंट, ये भी मिरर जैसा होगा लेकिन डैश हो जाएगा, इक्वल टू नया होगा कुछ, और -2 1/f1 +1/fL होगा, और प्लस f वाटर वाला होगा, और प्लस ये फिर से जीरो ही हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ समझेंगे हम लोग कि यहाँ पर बोला है कि अगर हम पानी डाल देते हैं, यहाँ पानी डाल देते हैं तो हमें जो ए डैस पे रखेंगे तो ए डैस मिलता है, और ए डैस कितना हमारे पास, ये है तुम्हारे पास 27 सेंटीमीटर, और ये कितना है, ये 18 सेंटीमीटर। तो दो सिचुएशन रखा, एक बार पानी के साथ, लेंस वाले पानी के साथ, और 27 पे आ रहा है, और अगर हम बिना पानी के रखते तो 18 पे आता है, मतलब ये दोनों लोकेशन जहाँ पर रखने पर इमेज वहीं पर बनती है। तो ये एक्चुअल में रेडियस होगा, 27 सेंटीमीटर रेडियस है तो इसका फोकल लेंथ होगा 27 by 2, तो -2/27 लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, -2/20 सेंटीमीटर इक्वल टू 2/27 इक्वल टू -2, 1/fL का 1/18 सेंटीमीटर, और वाटर का हमें नहीं पता तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर, अब देखो डालने के उसमें वैल्यूज तो दे रखी है, अब कह रहा है कि भाई ये बताओ कि इसका जो वाटर डाला है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो हमने कहा जी अच्छी बात है, तो 1/f वाटर इक्वल्स टू म्यू वाटर अपॉन 1 एयर के साथ ले लेंगे, और -1। अब रेडियस क्या होगा, रेडियस वाली बात थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पर जो यहाँ लेंस बना हुआ ऐसे करके बना हुआ, ऊपर से रेज अगर आ रही है तो ऐसे फ्लैट बना होगा, है ना, ऐसे करके, तो ऊपर से रेज आ रहे हैं तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे, रेडियस का जो होगा 1/-r होगा, यहाँ पे -r होगा, और फिर ये इन्फिनिटी है तो ये जीरो हो जाएगा, तो 1/f आ जाएगा यहाँ पर। और रेडियस कितना होगा, रेडियस तो 18 है तो एक्चुअली 18 ही आता, जब भी सेम दोनों बाई कॉन्वेक्स में 18 अगर फोकल लेंथ है तो 18 सेंटीमीटर ही आता है, वो याद भी रख सकते हो, चाहे तो याद रख लो चाहे तो निकाल लो, दोनों ही केस के लिए ट्रू है वो। तो यहाँ पर 18 आ जाएगा, तो आप सॉल्व कर लोगे, तो एफ डब्ल्यू को उठा के आप यहाँ डाल दो, ये देखो एफ डब्ल्यू यहाँ डालोगे तो म्यू वाटर निकल जाएगा अपना, और जो म्यू वाटर आएगा यहाँ पे सॉल्व करना थोड़ा लंबा हो गया, बट कोई बात नहीं, म्यू वाटर जो आएगा वो 4/3 आएगा, जो कि एक्चुअली स्टैंडर्ड वाटर का ही होता है, बट कोई बात नहीं, कई बार डिफरेंट भी हो सकता है, कई बार छोटा मोटा इधर उधर कर देगा, और आप वही सोच के आंसर मत करना, उसे मेंस में इतना कन्फ्यूज नहीं करता है, तो आप लगा भी सकते थे अगर चाहते तो एक लाइन में, ठीक है। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मिरर और थिक वाटर वाला कॉम्बिनेशन है। जैसे यहाँ पर क्या है कि अगर मान लो ये है आपका एक कंटेनर, नीचे बेसिकली क्या है, हमने
मिरर लगा दिया, मिरर लगा दिया ऐसे, कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया, कॉनकेव मिरर लगा दिया, और इसके अंदर पानी भर दिया, इसके अंदर पानी भर दिया, देखो इसके अंदर पानी भर दिया हमने, और ये पानी भरा हुआ है ऐसे, कितनी दूर तक पानी भरा हुआ है, 5 सेंटीमीटर हाइट है यहाँ पर, 5 सेंटीमीटर हाइट है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऑब्जर्वर, एक्चुअली यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट इसको ब्लू कर देते ताकि थोड़ा फ्लोट कर रहा, अब देखो फ्लोट कर रहा तो इसका कॉन्सेप्ट क्या आता है कि जैसे जो हिस्सा ऊपर की तरफ उससे रे बाहर की तरफ निकल जाती है, जो हिस्सा ऊपर की तरफ उससे रे कहाँ निकल जाती है, बाहर की तरफ, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, और जो अंदर की तरफ वो ऐसे आके हिट करेगा, तो पहले मिरर से रिफ्लेक्ट होगा, और मिरर से रिफ्लेक्ट होगा तो मिरर से रिफ्लेक्ट करा देते हैं, हमें क्या क्या पता है। तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि कॉनकेव मिरर लगा दिया, पानी डाल दिया, ऊपर एक बॉल फ्लोट करे, तो उसका करे यहाँ पर अगर ऑब्जर्वर है, यहाँ पर अगर ऑब्जर्वर, तो उसे इमेज कहाँ दिखेगी फाइनल, तो हम अगर जो लोअर हाफ जो डूबा हुआ है, जो फ्रैक्शन डूबा हुआ है, उसकी इमेज पहले रिफ्लेक्शन से देखेंगे, फिर वो जो लिक्विड है उसके थ्रू रिफ्रैक्ट होकर ऊपर इमेज दिख रही होगी उसे। तो पहला हम लोग क्या करेंगे, मिरर से देखने की कोशिश करेंगे, देखो मिरर से देखने की कोशिश करेंगे, तो मिरर से कैसे देखेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 है तो फोकल लेंथ हो जाएगा अपना 20 और -20, तो -1/20 इज इक्व टू 1/V निकालना है, और माइनस हो जाएगा -1/5, तो 1/V इज इक्वल टू 1/5 -1/20, तो V इज गोइंग टू बी +20/3, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग, तो +20/3 मतलब यहाँ से यहाँ पे कहीं बन रहा होगा 20/3। अब इसके बाद क्या होगा, रिफ्रैक्ट होना है थ्रू दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, यहाँ से इस लिक्विड से रिफ्रैक्ट होना है, तो ऐसा सोच सकते हैं कि ये फ्लैट सर्फेस अगर, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो, तो कितना डेप्थ हो गया यहाँ से तक, 5 + 20/3, तो ये डेप्थ हो गया, और अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला सीधा लगा सकते हैं, तो ताकि ऑब्जर्वर को जो दिख रहा है रिफ्रैक्ट हो रही है, तो अपरेंट डेप्थ फॉर ऑब्जर्वर लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा, देखो एक्चुअल डेप्थ कितना है, 20/3 +5 सेंटीमीटर म्यू ऑब्जर्वर विच इज़ एयर विच इज़ 1 अपॉन लिक्विड, लिक्विड है तो विच इज़ 4/3। तो यहाँ पर जब हमने अपरेंट डेप्थ देखा ऑफ द ऑब्जर्वर के लिए, जो ऑब्जर्वर ऊपर बैठ के देखने की कोशिश कर रहा है, तो दैट इज 35/3 × 3/4, दिस इज 108/12 विच इज़ क्लोज टू 8.8 सेंटीमीटर, आई होप यू अंडरस्टैंड, ए इज़ दी आंसर, ब्यूटिफुल क्वेश्चन, अगर आप इसको देखोगे तो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो 2 मिनट के अंदर हो जाता है, और बड़ी आसानी से बाकी बहुत सारे बच्चे से कन्फ्यूज भी हो जाते हैं तो कर सकते हैं। तो देखो यहाँ के बाद से क्या होगा, ये कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होकर, कुछ ऐसे रिफ्लेक्ट होगा और कहीं पर इमेज दिख रही होगी 8 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्वियसली नीचे ही दिख रही कहीं पर, यहाँ ऊपर नहीं दिख रही है, ठीक है, तो ऐसे करके हो रहा होगा, एक बार रिफ्लेक्शन थ्रू द मिरर है, एक बार रिफ्रैक्शन थ्रू द फ्लैट सरफेस है, करेक्ट है बात। अच्छा तो इस बस अब ज़्यादा नहीं आपको तंग करूँगा मैं इसमें, वेलोसिटीज़ ऑफ द इमेज की बात कर लेते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैंने इजी वाले क्वेश्चन कुछ ईजी ले लिए, कुछ डिफिकल्ट ले लिए, तो लास्ट टॉपिक है ये आपका, वेलोसिटीज़ की बात करेंगे, तो वेलोसिटीज़ को मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, फिलहाल मैंने लेंस के लिए डेराइव किया, और जो लेंस के लिए करूँगा वही सेम चीज़ आपका किसके लिए होगा, वही आपका मिरर के लिए भी होगा, ठीक है, वही सेम चीज़ आपका मिरर के लिए भी होगा। तो वेलोसिटीज़ ऑफ द इमेज की बात करते हैं, इमेज ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, वो यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस पे पड़ा हुआ है, ये प्रिंसिपल एक्सिस पे पड़ा हुआ है देखो, और ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा, और कह रहा है कि अगर यहाँ पर है तो यू वी और एफ का रिलेशन पता होता है, अच्छा ये पॉइंट ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे पड़ा हुआ, तो अगर एफ इक्वल टू 1/V -1/U होगा, अगर वी चेंज होगा तो यू भी चेंज होगा, लेकिन एफ कॉन्स्टेंट रहता है, तो हम क्या करते हैं कि एक्स एक्सिस का प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी होती है, जिसको हम एक्स एक्सिस बोल सकते हैं, है ना, और इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस बोल सकते हैं, अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मान के इसकी वेलोसिटी के बारे में कमेंट कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, देखो जो यू का चेंज है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग का चेंज है, है ना, तो वही वही इमेज के साथ भी वही होगा, तो यहाँ ओरिजिन मान लेते हैं ना, ये ओरिजिन है, तो यहाँ से हम लेफ्ट राइट के हिसाब से देख सकते हैं, तो हमने क्या किया कि यू और वी विच इज एक्स ऑन दी यू और वी एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस ही तो है, तो एफ कॉन्स्टेंट है, तो हमने क्या किया कि इसको टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो एफ कॉन्स्टेंट है जीरो हो जाएगा, करेक्ट है बात, एफ कॉन्स्टेंट है जीरो हो जाएगा, और 1/V का जो डिफ्रेंशिएशन होगा 1/V² dV/dt हो जाएगा -1/U² dU/dt हो जाएगा। अब dV/dt क्या है, वी यहाँ पर हमेशा ध्यान रखेंगे इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और dV/dt क्या है आपका, dV/dt है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, सॉरी वेलोसिटी ऑफ द इमेज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और dU/dt क्या है वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया, ये है आपका वेलोसिटी ऑफ द इमेज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो अब हमने रिलेशन निकाल दिया, अगर अब मोस्टली मेंस लेवल पे ना यही पूछता है, एक्स एक्सिस वाला ही पूछता है, वाई एक्सिस में कोई वेरिएशन नहीं है, अच्छा वाई एक्सिस में कोई वेरिएशन मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने ले लिया, वाई एक्सिस वाला अगर मान लो कोई वाई एक्सिस मतलब कुछ हाइट आ गई, अगर कुछ हाइट आ गई तो एक्स में तो सेम तरीके से वैरी कर रहा होगा, एक्स में सेम तरीके से वैरी कर रहा होगा, है ना, एक्स में तो बिल्कुल सेम तरीके से ही वैरी करता है, लेकिन वाई में चेंज होता है, वाई में कैसे चेंज होता है मैं आपको बताता हूँ, इस बात को समझेंगे, वाई में कैसे चेंज होता है मैं आपको बताता हूँ, एक्स वाला तो सेम तरीके से याद कर लेते हैं, वाई में कैसे चेंज होता है,
वाई में क्या होता है कि एम इक्वल्स टू आई अपॉन ए लिखते हो, वाई हाइट होती है, वर्टिकल हाइट होती है और ओ भी ऑब्जेक्ट हाइट होती है, दोनों के बीच रिलेशन लिखा हो, और जो वो होता है आपका आई बाई होता है वो लेंस के लिए वी बाई होता है, अगर मिरर होगा तो माइनस वी बाई यू लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, उसके हिसाब से डेराइव करेंगे, तो मिरर और लेंस एक साथ ही हो रहा है, कॉमन सेंस लगाना सॉल्व हो जाएगा, डिफरेंशिएट करना सॉल्व हो जाएगा, तो एम क्या होगा आई बाई ओ इक्वल टू वी बाई यू, तो अब हमने क्या कर दिया, देखो ओ को इधर ले गया है ना, ओ को इधर ले गया, अब ओ को अगर इधर लगेगा तो उसको डिफरेंशिएट किया आई को, तो हाइट के साथ डिफरेंशिएशन, तो आई डी आई बाई डी टी इंटू, अगर ओ कांस्टेंट, अगर हाइट चेंज नहीं हो रही, अब हाइट भी चेंज हो सकती है लेकिन वो तो और डिफिकल्ट हो गया फिर, तो हाइट चेंज नहीं हो रही अगर तो ओ बाहर आ जाएगा और वी बाई यू को डिफरेंशिएट करके हम लोग वी आई वाई वेलोसिटी ऑफ द इमेज अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलॉन्ग वाई एक्सिस निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो बेसिकली फंडा क्या है कि अगर ओ वेरी कर रहा होगा तो फिर हमें दो बार मतलब बेसिकली प्रोडक्ट रूल यूज़ करके ओ को भी देखना पड़ेगा, वहाँ तक तो देखो बात पहुँचने वाली नहीं है, ओ कांस्टेंट पे भी नहीं पहुँचेगी मोस्टली मेंस के एग्जाम में, तो यहीं तक बात रहती है, लेकिन अब एक बार देख लो डिफरेंशिएशन, अगर आपके मैथ्स अच्छी है तो आप बड़ी आसानी से इस चीज़ को टैकल कर पाओगे, यहाँ पर ओ कांस्टेंट है, ओ कांस्टेंट है, इस बात को प्लीज़ ध्यान रखना, ओ यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ लिख देता हूँ मैं ओ कांस्टेंट है, ओ कांस्टेंट, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या है, अच्छा अगर नहीं समझा तो रिपीट करके देखना, दोबारा सुनना सारी बात, काम की चीज़ें बोली मैंने इसमें, तो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, अ फोकल लेंथ एफ इक्वल्स टू 0.3 मीटर, द लेंस फॉर्म्स एन इमेज, कहीं पे इमेज फॉर्म कर रहा होगा, इफ ऑब्जेक्ट मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस, इधर मूव कर रहा है कितनी स्पीड से 5 मीटर पर सेकेंड से, द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द इमेज विल बी, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें, अगर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो यू इक्वल्स टू माइनस 20 सेंटीमीटर, बहुत दूर है, बहुत दूर मतलब जो इमेज बनेगी वो फोकस पे ही बनेगी, है ना, कॉन्वेक्स लेंस बोला, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस मतलब बाई कॉन्वेक्स होता है बाई डिफॉल्ट, तो इसका मतलब जो इमेज डिस्टेंस है वो 0.3 मीटर दे दिया इन्होंने, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है यार, मतलब फोकल से, फोकल लेंस अगर बहुत दूर रख दिया हमने फोकल, तब वो सीधा मतलब ऑलमोस्ट ऐसा सोच सकते हैं इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो ये अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करें क्योंकि ऑलमोस्ट पूछा हुआ है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछा हुआ है, तो जो तुम्हारा इमेज डिस्टेंस आएगा, इमेज सॉरी इमेज वाला जो फॉर्मूला, तो फिर से अगर वहाँ पर देखें एक बार कर लेते हैं डिफरेंशिएशन, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, तो दिस इज गोइंग टू बी जीरो, दिस इज गोइंग टू बी 1/v स्क्वायर, अब एग्जाम इतना तो कर ही सकते हैं, dv/dt माइनस 1/u स्क्वायर du/dt, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए बाय डिफॉल्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट हाइट वगैरह दिए नहीं तो कैसे निकालेंगे भाई, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अलॉन्ग एक्स एक्सिस इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो यहाँ पर प्लस साइन आ रहा है, इसका मतलब जिधर इसकी डायरेक्शन होगी वही है इसकी डायरेक्शन होगी, क्योंकि ये वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर है, जो कि तो ये चीज़ आप याद कर लो यार, ये तो याद ही कर लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, याद कर लेते हैं, ठीक है, ये याद कर लेते हैं, ये लेंस के लिए याद कर लेते हैं, वेलोसिटी लॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई के लॉन्ग डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो यहाँ वैल्यू डाल देते हैं अब, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलॉन्ग एक्स एक्सिस इज गोइंग टू बी वी, कितना अपने पास वी है 0.3 × 0.3 अपॉन 20 × 20 और ये हो जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड, तो जो वेलोसिटी ऑफ इमेज आएगा ऑलमोस्ट सॉल्व कर लेंगे तो 1.16 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड टूवर्ड द लेंस, क्यों भाई टूवर्ड द लेंस क्यों, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट की अगर इधर की तरफ ऑब्जेक्ट की स्पीड है तो इमेज की डिस्टेंस भी सेम डायरेक्शन होगी, मैंने बताया, और मिरर के केस में माइनस साइन आ जाता है तो उल्टे डायरेक्शन में जाती है, तो दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, तो देखो बहुत आसानी से चीज़ों को तुम सॉल्व कर सकते हो, है ना, तो आई रिकमेंड कि आप सेम चीज़ आप मिरर के लिए भी सॉल्व करें, बहुत सारी चीज़ें अगर एडवांस लेवल पर जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन हम मेंस लेवल पर पढ़ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, जो जितनी चीज़ें बता रहा हूँ याद करने के लिए उसको याद करोगे तो तुम्हें फ़ायदा मिलेगा, हालांकि अगर एडवांस लेवल की चीज़ें आती है तो मेंस थोड़ा आसान हो जाता है, बट ये रिकैप हो गया आपके लिए, ठीक है, तो आई थिंक और क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं, इतना बहुत है ऑप्टिक्स के लिए, वेव ऑप्टिक्स के लिए, तो अगला टॉपिक जो भी होगा उसमें हम लोग देखते हैं, अगर इस ये चीज़ आएगा तभी आप वेव ऑप्टिक्स में तो ज़्यादा इसको नहीं यूज़ करते, लेकिन ठीक है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट तो इसके यूज़ हो ही रहे होते हैं हर जगह पे आगे के टॉपिक्स में, तो प्लीज़ इस बात को बहुत केयरफुली करना, है ना, ओके, तो थैंक यू।